देखो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे पास तीन चार लोग हैं, उनके उनके लिए हमारे पास तीन चार कुर्सियां हैं, तो मैं बोलूंगा कि हम इनको किस कितने तरीके से बिठा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ए बी सी डी बैठ सकता है, फिर ए सी बी डी बैठ सकता है, ए डी सी भी बैठ सकता है, ऐसे करके अलग अलग अरेंजमेंट हो सकते हैं। राइट, समझ आ रहा है? तो अब इसमें मैं बनाऊंगा, तो ए को फिक्स रख के, ए को फिक्स रख के मैं इनको इंटरचेंज करूंगा। ठीक है, तो ए को फिक्स रख दिया मैंने फर्स्ट चेयर पे, और बी सी डी, बी डी सी, सी बी डी, सी डी बी, डी सी बी और डी बी सी, ऐसे करके छह अरेंजमेंट बन गए। ए को फिक्स करा तो छह अरेंजमेंट बन गए। वैसे बी को फिक्स करेंगे तो छह और बनेंगे ए को लेके, वैसे सी को फिक्स करेंगे तो छह और बनेंगे, और डी को फिक्स करेंगे तो छह और बनेंगे। सबको समझ आ रहा होगा? तो टोटल 24 अरेंजमेंट होते हैं, पर इतना बना बना के टाइम वेस्ट होता है। राइट, तो सिंपल सी चीज हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जब मैं पहली कुर्सी पे बिठाऊंगा तो मेरे पास चार लोग होंगे, मैं बोलूंगा कि कोई भी आ जाओ, तो हमारे पास चॉइस कितने होंगे? चार। जब पहला कुर्सी भर जाएगा तो दूसरी कुर्सी पे मेरे पास तीन चॉइस होंगे, फिर उसके बाद दो चॉइस होंगे, और फिर उसके बाद एक चॉइस होगा। मैं डायरेक्टली भी इससे निकाल सकता हूँ, फिर भी आंसर 24 ही आएगा। और ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, सात्विक फैक्टोरियल मतलब समझ आ गया? ठीक हाँ सर, है, ध्यान से देखते रहो सब लोग। तो जो कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता है ना, जैसे 5 × 3 × 2 × 1, तो ये नहीं होगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें 4 भी होना जरूरी है, तो कंटिन्यूड सारे नंबर्स होने चाहिए, तो उसको हम लोग एक साथ ऐसे लिखते हैं। नहीं तो फिर है ना, अगर मान लो 10 फैक्टोरियल है, मतलब 10 × 9 × ये सब लिखने से अच्छा सीधे क्यूट सा ऐसे लिख दिया 10 फैक्टोरियल। ठीक है, इसकी वैल्यू जैसे हम कुछ कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू याद रख लेंगे, जिसमें रटने की जरूरत नहीं है। 1 फैक्टोरियल जो होता है ना, वो होता है 1। 2 फैक्टोरियल सबको पता है, 2 × 1। फिर 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 × 2 × 1। तो इसको मैं 3 × 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। 3 फैक्टोरियल को मैं 3 × 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, ये होता है 6। 4 फैक्टोरियल को मैं 4 × 3 × 2 × 1 भी लिख सकता हूँ। सबको समझ आ रहा है? तो ये होता है 24। फिर 5 फैक्टोरियल क्या होगा? × 5 कर दो इसी को, 120। फिर 6 फैक्टोरियल क्या होगा? इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। और 7 फैक्टोरियल क्या होगा? 7 फैक्टोरियल क्या होगा? 7 × 6 फैक्टोरियल, क्योंकि ये फिर कंटिन्यू हो जाएगा, तो ये होता है 5040। ये भी बहुत लोगों को याद रहता है। ठीक है, खासकर आईपी मैट और कैट वाले बच्चों को याद होना चाहिए, बाकी बच्चों का यहाँ तक काम चल जाएगा। और नहीं भी है याद तो फिर फटाक से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? वो 40320 होती है, जो कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करके आती है। तो जल्दी से वैसे लिखा होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा चाहता हूँ जल्दी जल्दी लेक्चर चले समझते हुए, तो लिखने का टाइम सेव कर लेते हैं। खुद से नोट्स बनाना, मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ, ये लास्ट लेक्चर में हो चुका है। आई होप फैक्टोरियल क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से वापस, अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट के सवाल कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट में मैंने सबसे बेसिक बताया कि लोगों को बिठाना है। ठीक है, तो लोगों को बिठाना है, या फिर मैं बोलूंगा कि मेरे पास 5 बॉक्स है और मेरे पास 5 फ्रूट्स है, एप्पल, मैंगो, बनाना, ठीक है, और 2 फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट और कीवी ले लो, तो इनको मुझे 5 बक्से में डालना है। तो कितने तरीके से डाल सकते हैं? कुछ भी नहीं सोचना है, 5 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि जब पहला बॉक्स होगा तो मैं क्या सोचूंगा कि पहले बॉक्स में मेरे पास 5 में से कोई भी फ्रूट डाल दो। फिर एक मैंने डाल दिया तो दूसरे में फिर मैं 4 फ्रूट डाल सकता हूँ, फिर 3 फ्रूट डाल सकता हूँ, फिर 2 फ्रूट डाल सकता हूँ, फिर 1 फ्रूट डाल सकता हूँ। यहां तक सबको क्लियर है तो चैट में एक बार यस लिख देना जल्दी से। बिल्कुल बेसिक गिनती पर गिनती करना सिखा रहा हूँ। पूरे चैप्टर में ना हम लोग काउंट ही करेंगे, नंबर ऑफ वेज को काउंट करते हैं। ठीक है, अब अरेंजमेंट, अभी तक मैं चीजों का कर रहा था, ठीक है ना, अब मैं अरेंजमेंट और भी तरीके से सवाल बना सकता हूँ, जिसमें मैं तुम्हारे नेम में अल्फाबेट है ना, तो नेम में, सॉरी अल्फाबेट नहीं होते, नेम में लेटर्स होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट ही होते हैं क्या, भूल गया मैं, ए बी सी डी जो होता है ना। अल्फाबेट ठीक है, तो नेम में जो चीजें होती है उनको अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी का नाम है आयुषी, आयुषी से मिलता जुलता एक नाम है मान लो ओवैसी। ठीक है,
तो अब इन दोनों को मैं बोलूंगा कि अरेंज करना है, भले ही वर्ड्स मीनिंगफुल नहीं बनेंगे, ऑब्वियसली आयुषी को मैं अगर यू आयुषी कर दूं तो मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो सिंपली हम सोच सकते हैं 6 फैक्टोरियल है ना, 6 लेटर है और 6 जगह पे डालना है, ये सबको क्लियर है, 6 लेटर 6 फैक्टोरियल, क्लियर है सबको, क्लियर है ना, होगा ही। अब 6 लोगों की जगह ना 6 लोगों की जगह 6 क्या है, अल्फाबेट है, तो एक ही चीज है, 6 जगह पे 6 चीजों को सेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं इसी में अगर नंबर्स दे दूं, इसको मैं ओवैसी वाला भी करता हूँ सॉल्व, पहले मैं अगर इसमें एक और वैरायटी होता है कि मैं तुम्हें बोलूंगा कि 1 2 3 4 5 मेरे पास डिजिट्स हैं, तो कितने नंबर बना सकते हैं, 5 डिजिट नंबर कितने बना सकते हैं, वापस वही सवाल बन गया क्या, 5 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, 5 डिजिट पे पहले पे 5 ऑप्शन, फिर 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन, फिर 1 ऑप्शन, तो वापस 120 नंबर्स हम बना सकते हैं इन 5 डिजिट से। अगर मैं बोलूंगा कि डिजिट 5 है लेकिन हमारे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, समझ आ रहा है, ध्यान से सुनते रहना, हमारे पास डिजिट तो 5 है लेकिन नंबर 3 डिजिट ही बनाना है, तब कितने नंबर बनेंगे, तब कितने नंबर बनेंगे, सोचो आराम से, कि मेरे पास कुर्सियां तो 3 ही है ना, 3 कुर्सी है मेरे पास, तो पहला कुर्सी, दूसरा कुर्सी, तीसरा कुर्सी, तो मेरे पास 5 ऑप्शन है, फिर 4 ऑप्शन है, फिर 3 ऑप्शन है, खत्म, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं रटना, क्लियर है सबको। तो कितने बनेंगे टोटल, अगर हमारे पास 5 डिजिट है तो 3 लेटर वर्ड कितने बनेंगे, 60। सबको समझ आ गया, प्लीज जल्दी जल्दी लिखते रहो। लास्ट वाला रिपीट, अनन्या श्री ऐसा समझो, मेरे पास ना 3 कुर्सी है और लोग हैं 5, तो मैं 5 लोग को 3 कुर्सी पर बिठा सकता हूँ, यस और नो, अनन्या माइक पे आ जाओ। नहीं, 500 तो नहीं बिठा सकते हैं, एक के गोद में बिठा सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में ऐसा नहीं है, इस चैप्टर में एक पे एक ही बैठेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास 5 लोग हैं, तो मैं बोलूंगा पहले कुर्सी पे मेरे पास किसी को भी बुला सकता हूँ, तो 5 ऑप्शन होंगे, और फिर 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन, अब कुर्सियां कम है तो यहीं तक चलेगा, आगे नहीं जाएगा, अब समझ आ गया, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे दिक्कत है, अब देखो अल्फाबेट में लोगों को बिठाया, फ्रूट को बिठा दिया, कुछ भी अरेंज कर सकते हैं, तो अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन, तो पीएनसी होता है ना, बहुत लोग उसको पीएनसी समझते हैं, कायदे से पी एंड सी होता है, ठीक है, तो पी एंड सी जो होता है ना उसमें परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन क्या होता है हम आगे देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब देखो जब रिपीटेशन हो जाता है, जैसे यहाँ पे ना आई और आई रिपीट हो गए, मतलब एक जैसे लोग, जैसे जुड़वा है तो जुड़वा टाइप समझो, अब इसमें हम क्या करते हैं, तो पहले थोड़ा सा फील लो, जैसे मैं एबीसी को अरेंज करता हूँ, तो एबीसी को अरेंज करता हूँ तो एबीसी, आज मुझे ओबीसी ओबीसी दिख रहा है, एबीसी से भी ओबीसी दिख रहा है, एसीबी, ठीक है, और एसीबी से मुझे जेसीबी और ओबीसी और जेसीबी का अच्छा रिश्ता है, यानी बीएसी और बीसीए, ठीक है, और सी ए बी, ये जोक सिर्फ लॉ वाले समझ सकते हैं, बाकी लोग नहीं समझ सकते, तो ये 6 हम बना सकते हैं, राइट। अब समझो कि मैंने ना 2 चीजें सेम कर दी, जैसे ए बी सी की जगह अब मैं ए बी ले रहा हूँ, चीजें तो 3 है लेकिन 2 चीजें सेम है, तो तुम ध्यान से सोचो, ध्यान से देखना सब लोग, अब ए जहां जहां सी था ना उसको मैं ए कर दूंगा, राइट, तो देखो कि अरेंजमेंट रिपीट होने लग जाएंगी, ध्यान से देखना, जहां जहां सी है उसको मैं ए कर रहा हूँ, जहां जहां सी है उसको ए करना है, अरेंजमेंट रिपीटेशन अब दिखने लगेगा तुम्हें, देखो रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया और ये भी रिपीट हो गया, तो रिपीटेशन हो गया, देखो तो कायदे से 3 ही अलग बने, बाकी 3 रिपीट हो गए, सबको दिख गया, सब क्लियर है सबको, अरेंजमेंट कम हो जाएंगे अगर लोग रिपीट हो गए तो, सेम जैसे डिजिट्स आ गए तो, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे टोटल गिन लो 6 फैक्टोरियल, जितनी रिपीटेशन है ना उससे बस डिवाइड कर दो, बस खत्म, समझ आया, बहुत आसान है, ठीक है। जैसे अरेंज को ही अरेंज करना है, मान लो अरेंज को मैंने बोला अरेंज करो, तो क्या आंसर होगा, सब लोग ट्राई करो एक बार, अरेंज को अरेंज करना है, लेटर्स गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, और रिपीट क्या क्या हो रहा है, ए देखो 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, आर 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, 4 मत कर देना, सारा जोड़ के 4 मत कर देना, ठीक है आदित्य, अलग अलग है तो अलग अलग लिंक, बस ध्यान रखो इस चीज का, किसी का नाम अच्छा सा है क्लास में जिसमें ज्यादा रिपीटेशन हो,
चलो जैसे मान लो मुझे यशस्वी को अरेंज करना है, तो मुझे बता दो जल्दी से। यशस, अब मैं स्पेलिंग गलत भी लिखूंगा तो मैं बोलूंगा मैंने इंटेंशनली लिखा है। इसको अरेंज करना है, बताओ कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। चार, चार आठ दो दस। रिपीट क्या क्या हो रहा है? एच हो रहा है 2 बार रिपीट, ई 2 बार हो रहा है, और ए 2 बार हो रहा है, और एस भी 2 बार हो रहा है। तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, सबका 2 2 बार, ई की वजह से 2 बार, एच की वजह से, ए की वजह से, एस की वजह से। अच्छे से क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, कलादर्शी का भी नाम था। कलादर्शी में देखो, कलादर्शी का स्पेलिंग है कलादर्शी। जो लोग इसको बाद में देखेंगे, हाँ ये नाम ही है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? 4 और 6 10। डांस का नाम लग ये देखो 3 बार है, तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। समझ आ गया सबको? और कुछ रिपीट हो रहा है क्या इसमें? और कुछ रिपीट नहीं हो रहा। क्लियर है सबको? आसान है, बहुत इजी सा है। मान लो कि ये चीज लोगों ने नहीं पढ़ी है, जैसे ये मैनेजमेंट वाले पेपर्स में तो आता ही है, लॉ वाले पेपर्स में रेयरली आता है। मान लो आ गया तो बताओ, बहुत इजी होगा ये, यस और नो? बाकी चैप्टर से तो आसान ही है ना, यस और नो बोलो भाई। मुश्किल है कह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व अगर मुझे करना है, तो मान लो इसको सॉल्व करके आंसर मेरा इस फॉर्मेट में नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 10 फैक्टोरियल क्या होता है? 10 × 9 × 8 × 7, और 6 फैक्टोरियल तो मुझे याद ही है, 720 होता है, और नीचे 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 6 से कट हो जाएगा। फिर ये हम देख लेंगे ऑप्शन में कि 9 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, और लास्ट का डिजिट क्या होगा आंसर का? 7 2 14, 4 8 32, 2 9 18, तो लास्ट में 8 होना चाहिए, मतलब 0 तो होगा ही, नॉन जीरो डिजिट लास्ट का 8 होगा। तो हम ऐसे करके ना स्मार्टली चेक कर लेंगे, ऑप्शन पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। सबको क्लियर है? यस चलो सर। ठीक है, अब हम इसमें चलते हैं आगे। अब ध्यान से देखते रहना, जैसे मैं लोगों को बिठाऊंगा, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ईजी भी है, आराम से सोचना। जैसे कि मुझे ना एक होता है कि मेरे पास मान लो 4 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। अब मुझे इनको रो में बिठाना है, ठीक है? तो इनको रो में जब मैं बिठाऊंगा, ध्यान से सोचना, जब मैं इनको रो में बिठाऊंगा तो मेरे पास 9 चेयर्स चाहिए होंगी मुझे, क्योंकि 9 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं बोल रहा हूँ कि इनको एक रो में बिठा दो, मैंने कुछ कंडीशन नहीं रखा, तो सिंपल 9 लोगों की तरह ट्रीट करेंगे, 9 फैक्टोरियल आंसर होगा। सोचो 9 लोग, 9 9 फैक्टोरियल, ये तो क्लियर है? ये तो क्लियर है ना? ठीक है, अब मैं कंडीशन लगा देता हूँ, ध्यान से सोचो। मैंने कंडीशन लगा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार में सुन लेना ये, एक मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने। तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि हमें ऐसे अरेंज करना है कि बॉयज एक साथ हो, बॉयज एक साथ होने चाहिए। तो बॉयज एक साथ होंगे तो ध्यान से सोचो कि ये कुछ स्पेसिफिक केसेस होंगे, मतलब इससे कम आंसर आएगा, क्योंकि ये तो टोटल अरेंजमेंट है विदाउट एनी कंडीशन। तो बॉयज को साथ में रखेंगे तो इससे कम तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें जो तरी जब टुगेदर करना होता है ना, तो हम लोग एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुपिंग करना है, ग्रुपिंग मेथड को बोलते हैं इसको। तो ग्रुपिंग मेथड, ये गूगल पे सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, मैं ऐसे ही नाम मैं खुद दे रहा हूँ, ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड में क्या होगा कि जिनको साथ बिठाना है उनको साथ बिठा दो। तो बॉयज जो है ना, B1 B2 B3 B4, तो 4 लड़के हैं, उनको एक ग्रुप में बिठा दो, मतलब कि, और गर्ल्स को अलग रखो, G1 G2 G3 गर्ल, G4 G5, तो ये गर्ल्स अलग है, बॉयज का ग्रुप अलग है। अब ये जो ग्रुप है ना, ये जब भी मूव करेगा ना, समझ रहे हो, ये ग्रुप मूव करेगा तो साथ में मूव करेगा, जैसे यहाँ बीच में आ सकता है ये उठ के, है ना, अरेंजमेंट ही तो करना है। यहाँ पे साथ में 4 कुर्सियां ले लेगा, यहाँ पे साथ में 4 कुर्सियां ले सकता है, यहाँ पे साथ में 4 कुर्सियां ले सकता है, यहाँ भी जाके बैठ सकता है। ये समझ आया सबको? ये चीज बहुत ईजी है, सोचो। हाँ, जीवन के पहले भी तो हो सकता है। तो पहले से बना रखा है, ठीक है ठीक है, समझ आया सबको? कहीं भी जाके सर एक बार रिपीट कर। देखो ये जो है ना, 4 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, इनको मुझे एक कुर्सियों पे बिठाना है, लेकिन कंडीशन रख दिया है कि बॉयज साथ में रहेंगे, तो साथ में रहेंगे जो लोग, उनका ग्रुप बना देते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि ग्रुप जो है, जब भी शिफ्ट होगा, पहले क्या था कि ये B1 यहाँ जा सकता था, B2 यहाँ जा सकता था, B3 यहाँ जाके बैठ सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या है कि ये ग्रुप साथ में भी हिलेगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि 4 कुर्सियां बीच का ये ग्रुप जाके बैठ जाएगा, इनके बीच में 4 कुर्सी होगी, ये ग्रुप जाके बैठ जाएगा, लेकिन चारों साथ में जाएंगे। आ गया समझ? यस सर। हाँ, ये सख्त लौंडे है कह सकते हो।
एक बच्चे ने टाइप किया। तो अब ये सोचो कि ये छह पांच चीजें हैं और ये ग्रुप है, तो टोटल छह चीजें हैं, समझ आ गया? ये पांच चीजें और ये छह चीजें इंडिपेंडेंटली मूव कर सकती हैं। यहां तक समझ आ गया सिक्स फैक्टोरियल क्यों आया? ये पांच गर्ल्स का है, मैं लिख देता हूँ नोट्स, स्क्रीनशॉट लोगे, पांच गर्ल्स प्लस एक ग्रुप अलग से, पूरा एक साथ शिफ्ट होगा, ठीक है। अब एक और सोचो, ये जो बॉयज है ये आपस में तो शफल हो सकते हैं ना ग्रुप के अंदर ही, जैसे बी वन बी टू बी थ्री बी फोर भी तो आपस में शफल हो सकता है, तो आपस में शफलिंग का फोर फैक्टोरियल। समझ आ गया सबको? आपस में शफल, ये वन ग्रुप का क्या मतलब, फाइव गर्ल्स प्लस वन ग्रुप क्यों लेके, ये नहीं समझा भाई। तू ऐसा समझ कि ये ग्रुप है, तो G1, G2, G3, G4, G5 पांच आइटम्स हैं जो आपस में शफल हो सकती है, और ये ग्रुप भी तो है छठा आइटम जो शफल हो पा रहा है लेकिन साथ में जा रहा है। अब समझ आया? ठीक है, ऐसा समझ कि जिस पे कंडीशन लगा है वो साथ में मूव करेगा, उसको एक आइटम ले ले, मतलब ये पूरा चीज एक आइटम बन गया, और पांच पांच एक छह आइटम, सिक्स फैक्टोरियल, और ये हर ग्रुप में अलग से आपस में तो अरेंज हो ही सकते हैं ना, ठीक है। फोर फैक्टोरियल क्यों लिया? क्योंकि अभिनव एक अरेंजमेंट पे फोकस कर, जैसे कि जो मैंने बना रखा है वो एक अरेंजमेंट है ना, तो इसमें तू सोच बी वन बी टू बी थ्री बी फोर ऐसे बैठेंगे, फिक्स थोड़ी है, ये आपस में शफल हो सकते हैं ना, बाकी चीजें मान लो फिक्स कर दी, ये आपस में शफल होंगे हर अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग। समझ आया अभिनव? यस सर। बस ये अब बहुत आसान है, अगर मैं गर्ल्स पे कंडीशन लगाता तो तुम लोग खुद कोशिश करो, जिनको समझ आ गया है वो सही आंसर देंगे। अगर मैं गर्ल्स पे कंडीशन लगाओ तो आंसर क्या होगा, कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं? आंसर तो चैट में, फैक्टोरियल बनाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर लेना। वेरी गुड रितिका जी, हाँ वेरी गुड, चलो सबको समझ आ गया, पांच छह आंसर आ गए, ठीक है। देखो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, जो चीजें टाइम स्पीड डिस्टेंस और ये सब पढ़ते हो ना उससे तो बहुत आसान है अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो। तो गर्ल्स को साथ में रख दिया तो ये ग्रुप बन गया, और ये चार लड़के पांच आइटम, और गर्ल्स को आपस में शफल कर सकते हैं, फाइव फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल। आसान है, सबको समझ आ गया, ठीक है। अब इसका आंसर जो भी होगा जनरली एग्जाम में इसी फॉर्मेट में होता है, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा होगा, वैसे आसान है, 120 का स्क्वायर 14400, ठीक है, क्लियर है। ये तो हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसी में प्रोबेबिलिटी कैसे घुसा देते हैं, ध्यान से देखना, इसी में प्रोबेबिलिटी कैसे घुसाते हैं। प्रोबेबिलिटी भी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड चैप्टर ही है, इस पे मैं डीआई सेट आराम से बना सकता हूँ, ठीक है। और ऐसा तुम लोग मत समझो कि ये नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी में देखोगे ना तो क्या बोलेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉयज आर टुगेदर। ध्यान से मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉयज आर टुगेदर, मतलब तुमसे पूछेगा कि चार लड़के और पांच लड़कियां हैं, तो बताओ कि टोटल अरेंजमेंट में से कितने चांस है कि बॉयज साथ में होगा। तो बॉयज वाला हमने निकाल रखा है 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल अपॉन टोटल 9 फैक्टोरियल। तो पर प्रोबेबिलिटी में सवाल में क्या होता है, बस ये टोटल डिवाइड हो जाता है, बस जैसे ये हमने निकाला ना टोटल डिवाइड हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछेंगे तो टोटल डिवाइड हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी भी पीएनसी से ही फर्दर डिराइव होता है, ये वाला स्कूल में जो प्रोबेबिलिटी पढ़े है ना वो, जैसे कार्ड्स और कॉइंस वाला, वो अलग है। ये भी समझ आ गया, क्लियर है ना सबको? प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, टोटल को डिवाइड कर देना है, बस आ गया सिंपल सिंपल, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहो, और नोट्स मैं खुद से बनाने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा टाइम सेव होगा, मुझे बहुत कुछ कराना है, एंड तुम लोग जब नोट्स बनाओगे तो खुद से रिविजन होता रहेगा, समझ आया क्या? तो उससे अच्छा से क्लियर हो जाएगा, एक ही दिन में क्लियर हो जाएगा टॉपिक। चलो इसमें मैं आज बेसिक क्वेश्चन ही कराऊंगा, इजी टफ क्वेश्चन का मैं अलग से क्लास लूंगा, जिसमें लॉ वाले बच्चों को नहीं कौन सा वाला, प्रोबेबिलिटी वाला? प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं करना होता ऋषि, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि पांच मैच है या कोई मैच है तो इंडिया जीतेगा, उसका चांस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है इंडिया के जीतने की? 50-50 नहीं, ऐसे समझ कि 1/3 मान ले कि विन लूज या ड्रॉ, तीन चीजें हो सकती हैं, तो 1/3 ऐसा बोल दे, तो टोटल नीचे आता है, ये समझ आता है ना प्रोबेबिलिटी में, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, सुना है ये चीज? बस तो फेवरेबल आउटकम, जैसे मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि सारे लड़के एक साथ होंगे, तो फेवरेबल आउटकम हमने निकाला ही है, और टोटल आउटकम से बस डिवाइड करना होता है, यहाँ भी टोटल से डिवाइड कर दो तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब समझ आ गया? यस। तो सिक्स फैक्टोरियल क्यों है, सिक्स फैक्टोरियल इनटू फोर फैक्टोरियल में?
वृंदा जब अरेंज कर रहे हैं ना तो सिक्स फैक्टोरियल इसलिए आया क्योंकि फाइव गर्ल्स तो अरेंज कर ही रहे हैं, पर ये जो बॉयज का एक ग्रुप है ना, एक आइटम ये है, तो ये भी तो अरेंज हो रहा है इनके साथ में, तो हमने 5+1 6 चीजें ली हैं। अब समझ आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट जो है इसका रिवर्स सवाल है, जैसे मैंने बोला कि सारे लड़के एक साथ बैठेंगे, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू बॉयज सिट टुगेदर, बोल सकता हूँ ना, सोचो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू बॉयज सिट टुगेदर। स्पेलिंग सही है? ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें अप्रोच जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं गैप मेथड। ठीक है, वेदांत क्लास में हो क्या? हाँ सर, क्लास में। अभी तक मैं अरेंजमेंट ही करा रहा हूँ, अभी तक मैं सिलेक्शन पे नहीं गया हूँ। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? हाँ सर, अभी तक अरेंजमेंट ही कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, तो नो टू बॉयज सिट टुगेदर मतलब हमें, जैसे मान लो कि हमने वही सेम केस ले लेते हैं, 4 boys and 5 girls हैं, मैंने बोला कि लड़कों को साथ में नहीं बैठना। ध्यान से सुनना, तो इन क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग गैप मेथड से। गैप मतलब क्या होता है, आराम से सुनना और फोकस यहीं पे रखना पूरा, कि हम जिनको साथ में नहीं बिठाना ना, उनके अलावा जो लोग हैं उनको बिठा देते हैं। तो गर्ल वन को बिठा दिया, गर्ल टू को बिठा दिया, गर्ल थ्री को बैठा। अभिनव, ये मैं एक अरेंजमेंट बना रहा हूँ, गर्ल्स का जरूरी नहीं कि यही ऑर्डर होगा, इनको आपस में शफल कर सकते हैं 5 factorial से। ये चीज क्लियर है अभिनव? यस सर। अब हमें बॉयज को साथ में नहीं बिठाना, मतलब बॉयज जब भी बैठेगा गैप में बैठेगा क्या, मतलब बॉयज के आजू बाजू गर्ल्स होनी चाहिए, या फिर एक साइड गर्ल होगा तो बॉय एज पे बैठेगा। मतलब बॉयज के लिए हमारे पास टोटल देखोगे तो 6 favorable position है अगर 5 लड़कियां हैं तो। जब भी 5 चीजें होती है तो गैप 6 बनते हैं, 4 चीजें होती है तो गैप 1 एक्स्ट्रा बनता है। बस क्यों एक्स्ट्रा बनता है, क्योंकि एक इधर उधर का आ जाता है। समझ आया क्या? ठीक है, तो जब साथ में नहीं बिठाना है मतलब गैप में बिठाना, तो हम लोग को जिसको साथ में नहीं बिठाना उनके अलावा जो लोग हैं उनको प्लेस कर दिया, और गैप कितने बन गए। अब देखो ध्यान से, लड़के तो 4 ही हैं, लेकिन उनके लिए फेवरेबल क्या है, फेवरेबल क्या है, फेवरेबल है कि 6 places हैं। तो मुझे सबसे पहले 6 कुर्सियों में से 4 कुर्सियां चूज करनी होंगी। अब नया चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बिल्कुल फोकस्ड रहना। हिंदी में जो मैं समझा रहा हूँ समझ आ रहा है? हमारे पास टोटल 4 boys हैं, लेकिन जगह है हमारे पास 6। जैसे मैंने क्या किया, ये 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 और ये चूज कर लिया, मतलब ये G3 G4 साथ में बैठ जाएंगी, ये मतलब यूज नहीं होगा। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि कुर्सी हमारे पास 11 हो गई, कुर्सी 9 ही है। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ 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 और यहाँ बैठ सकता है 4, और ये दोनों खाली है, मतलब ये तीनों साथ में बैठेंगी इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में। समझ आ गया? गर्ल्स पे कोई कंडीशन नहीं है इसलिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 6 chairs में से कोई 4 chair चूज करना है। सबको समझ आ रहा है? 6 gap में से हमें 4 boys है तो 4 ही gap चूज करेंगे, एक लड़का 2 gap में नहीं बैठ सकता, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 6 में से choose 4। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं समझाऊंगा। 6 ही 4 मतलब समझ गए, 6 में से 4 को मैंने चूज कर लिया, 6 choose 4 टोटल में से 6 में से 4 चूज कर लिया। यहां तक क्लियर है? 6 ही 4 मतलब क्या होता है, 6 ही 4 मतलब होता है 6 choose 4, तो आउट ऑफ 6 यू हैव टू चूज 4 chairs बिकॉज देर आर ओनली 4 boys बट देर आर 6 gaps। उसके बाद सोचो, मैंने मान लो कि 4 कुर्सियां चूज कर ली, तो इनपे B1, B2, B3, B4, B1, B3, B2, B4, B4, B2 ऐसे करके मैं इनको आपस में अरेंज कर सकता हूँ। समझ आ गया? तो हमने 6 में से 4 chairs चूज कर ली, लड़कों को अरेंज किया, ठीक है, और फिर गर्ल्स को तो अरेंज कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये चूज किया मैंने, इसको सिलेक्शन बोलते हैं, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो दूसरा सी है ना, दैट इज कॉम्बिनेशन। ये है बॉयज का अरेंजमेंट और ये है गर्ल्स का अरेंजमेंट। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया है? 100 लिखना, जिनको आधा या 50 लिखना कोई दिक्कत नहीं, मैं एक और एग्जांपल लूंगा। अभी वेदांत के सब क्वेश्चंस मत लिख, अभी मुझे समझाने दो सबको पहले, ठीक है। सब लोग को रिप्लाई करना है। आदित्य ने लिखा है 0। ठीक है, चलो आदित्य तुम्हारे लिए मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो मैं काम करता हूँ, मैं ना 4 girls लूंगा तो 5, 3 girls लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो आदित्य, तेरे लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। 4 boys हैं और 3 girls हैं, और सवाल सेम है कि बॉयज जो है ना, बॉयज जो है वो साथ में नहीं बैठेंगे, बॉयज विल नॉट सिट टुगेदर, एक भी लड़का साथ में नहीं बैठेगा, मतलब 2 लड़के, सबके बीच में गैप होना चाहिए। आदित्य बाइक पे आ जाइए, समझ आ गया? सबके बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देख, तो अगर मुझे बॉयज को साथ में नहीं बिठाना, तो एक अरेंजमेंट तो बना सकता है, बॉय के बाद एक गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, 3 गर्ल हो गए, फिर बॉय, ये एक अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है।
ठीक है, तो ऐसा इसमें करते क्या हम लोग, गर्ल्स को पहले बिठा दो क्योंकि बॉयज पे कंडीशन है, तो गर्ल्स को बिठा दो। तो जब मैंने तीन लड़कियों को बिठाया तो गैप कितने बन गए, एक दो तीन और चार। अब चार लड़के हैं तो चार ही कुर्सियां हैं, तो हमें इसमें सेलेक्ट नहीं करने की जरूरत है कुर्सियों को, चार है चार जगह जाके बैठ जाएंगे। समझ आ गया? पर उनमें अरेंज करूंगा जितना समझा रहा हूँ वहां तक। हाँ बोल, ठीक है ठीक है। अब तू देख, ये तो मैंने एक अरेंजमेंट बनाया, ये एक अरेंजमेंट है जिसमें कि पहला लड़का यहाँ बैठा है, पर लड़के आपस में शफल हो सकते हैं, ठीक है, और लड़की आपस में शफल हो सकती है ना, मान ले G1 G2 G3 इसी में छह, इस बॉयज को फिक्स रखेंगे ना फिर भी छह अरेंजमेंट बनेंगी गर्ल्स को अरेंज करके। समझ आया? ठीक है, तो बस यही होता है सवाल। अब सर जो हमने पिछला क्वेश्चन निकाला था उसमें भाई लाइन लाइन से कर रहा हूँ, रुक जा थोड़ा सब्र कर, ये समझ आया अच्छे से? हाँ हाँ हाँ, इसमें जीरो नहीं है ना? नहीं नहीं, चल ठीक है। इसी क्वेश्चन में मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं इसको इसी पे मैं घस दूंगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लो जिनको नोट्स बनाना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लड़की मैंने बढ़ा दी, ठीक है, एक लड़की मैंने बढ़ा दिया, तो देखो अब क्या चेंज हो जाएगा। एक लड़की मैंने इंक्रीज कर दिया, अबे पेन, ठीक है, तो अब एक गर्ल बढ़ गई है। अब एक गर्ल बढ़ने से क्या हुआ आदित्य, लड़के के लिए एक और पोजीशन खुल गया। अब समझ आया? ठीक है ठीक है। तो जब चार लड़कियां होती तो गैप पांच बन गए। अब पांच गैप बनने से क्या होता है ना कि पहले तो हमें बॉयज को, अब देख यहाँ पे मैंने बॉयज को बिठाया, हो सकता है कि यहाँ पे बॉय ना बैठे, ये दोनों साथ बैठ जाए और बॉय यहाँ बैठ जाए, हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, ये बॉय थ्री यहाँ बैठे और यहाँ पे खाली हो, तो बॉयज तो अलग है ही, दो गर्ल्स साथ आ गई तो उनपे कोई कंडीशन है ही नहीं। तो जब एक्स्ट्रा कुर्सियां होती है तो पहले हम पांच में से चार स्पॉट को चूज करेंगे और उसके बाद फिर वही चीज करेंगे उनको अरेंज। अब अच्छे से समझ आ गया? आ गया। अब नैनश्री क्लियर है, तुमने एक और एग्जांपल मांगा था, अब मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। ज्यादा कुर्सियां होती है तो पहले क्या करोगे, जितने लोग हैं उतने कुर्सियां चूज करोगे ना, तो लास्ट क्वेश्चन में छह गैप बन रहे थे, एक गैप दो गैप तीन गैप चार गैप पांच गैप छह गैप, तो सबसे पहले हम लोग गैप के हिसाब से कुर्सियों को चूज कर लिया फिर अरेंज कर दिया। क्लियर है? अब अच्छे से आ गया होगा सर। जो हमने वो पहले वाला प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन करा था ऑल बॉयज टुगेदर, उसमें से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो फिर नो बॉयज टुगेदर नहीं आ जाएगा? नहीं नहीं, अब तू ना ऑल बॉयज टुगेदर के अलावा तू माइनस करेगा ना, तो मान ले ऐसा है B1 B2 B3 और फिर गर्ल है और फिर B4 अलग से है, तो ये ऑल बॉयज टुगेदर जैसा नहीं है और नो बॉयज टुगेदर भी नहीं है ये, तो उसमें और भी केसेस इंक्लूड हो जाते हैं। समझ आया? अच्छा अच्छा, हाँ तो वैसे नहीं करते प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी कैसे होगा, देखो बहुत सिंपल आदित्य, कुछ टफ थोड़ी है इसमें, ये कैलकुलेशन सिखाऊंगा अभी, ये अभी मैंने सिखाया नहीं है। ये समझ आ गया? प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो क्या होगा, इसी चीज में 9 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा, 9 लोग हैं तब। समझ आ गया? बस प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, पीएनसी वाला जो फेवरेबल कंडीशन है ना उसमें टोटल आके डिवाइड हो जाता है, प्रोबेबिलिटी का सवाल बन जाता है यही। ठीक है, आगे बढ़े हम, आई होप सबको क्लियर होगा। अभी भी कोई है जिसको नहीं है? वृंदा तुम्हें आ गया समझ? हाँ भैया। भैया ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम? ठीक है, अब हमें मुझे वो समझाना है एनसीआर। एनसीआर जो होता है ना इसका मतलब क्या होता है? हाँ थोड़े दिन में अंकल भी बोलेंगे आदित्य, चैट में लिख रहा है अंकल, बोलो एनसीआर मतलब क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना या पैरेलली लिख लेना, साइमल्टेनियसली सॉरी। चूजिंग आर आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑफ आइटम्स। समझ आया? तो आर चीजें हमें लेनी है एनसीएन में से, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे क्रिकेट टीम बनानी है, तो क्रिकेट टीम जो लोग देखते हैं अगर, तो मेनली कितने लोग चूज करते हैं जिसमें से कुछ फाइनल 11 खेलते हैं, कितने के बेंच होती है? दिल्ली एनसीआर नहीं है ये, मान लो 15 लोग को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर 11 को चूज करते हैं, तो 15 में से 11 को चूज करेंगे, तो इतने इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ये बहुत बड़ा नंबर है कि इसको बाहर रखो, इसको ले लिया, इसको बाहर रखा, इसको ले लिया, तो अरेंजमेंट समझ आ रहा है? बेसिकली सिलेक्शन होता है, अरेंजमेंट नहीं होता। हम 15 में से 11 का ग्रुप बना रहे हैं। जैसे मेरे पास चार फ्रूट हैं, ठीक है, चार फ्रूट हैं ए बी सी डी, और मुझे ना दो ही फ्रूट खानी है, तो मैं क्या क्या खा सकता हूँ सोचो, मैं ए और बी खा सकता हूँ, मैं ए और सी खा सकता हूँ, मैं ए और डी खा सकता हूँ, तीन तीन तरीके से मैंने फ्रूट खा लिए, फिर मैं बी और सी और बी और डी खा सकता हूँ, दो और तरीके आ गए और मैं सी और डी खा सकता हूँ। समझ आया? फोर में से फोर सी टू का मतलब क्या होता है, चार में से दो चूज कर लो, तो छह तरीके से चूज कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, समझ आ रहा है सबको एनसीआर का मतलब?
ये अरेंजमेंट से डिफरेंट है. अरेंजमेंट में क्या होता है, चार फ्रूट्स को अरेंज करो तो 4 फैक्टोरियल. अभी मैं कह रहा हूँ चार में से दो को चूज करो. वेदांत क्लियर है? Yes. इसका फॉर्मूला नहीं होता था क्लियर कट भाई, समझा रहा हूँ यार, तू कितने बेचैन है. ठीक है, अब जैसे चार फ्रूट में से दो लेने थे तो मैंने आराम से कर लिया. अब मैं 15 में से 11 लूंगा, तुम सोच रहे हो कैसे कैसे करेंगे 2-3-4. तो यहाँ पे फॉर्मूला काम आएगा. तो फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला. देखो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और फिर इनका डिफरेंस फैक्टोरियल. समझ आ गया? ये क्या मैंने ब्रैकेट के अंदर फैक्टोरियल लगा दिया. मेरा पेन कल से लीक हो रहा है, मेरा पेन बूढ़ा हो गया है. इसको मैं लॉकडाउन 1 से चला रहा हूँ. अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो मैं ऑनलाइन आता भी नहीं, तुम लोग मुझे जानते भी नहीं. थैंक यू लॉकडाउन. अब मैं इधर 5C3 की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे बताओ ऊपर क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल और डिफरेंस 2 फैक्टोरियल. आ गया समझ? जैसे 4C2 है तो फॉर्मूले से निकाल के देखो 6 आ रहा है क्या. कैलकुलेट करो सब लोग फॉर्मूले से, वेरीफाई करो 6 आ रहा है क्या. 6 कैसे आया अनन्या, जोड़ के? तीन तरीके मैंने गिन गिन के बनाया था, वो भी नहीं समझ आया. मैं बनारस में 4 साल रहा, मुझे ऐसा कभी कोई मेरी दोस्त नहीं मिली बनारस से जिनके पीछे श्री है. अभी मुझे दो स्टूडेंट मिले, दोनों के पीछे श्री है. तुम शादी के बाद श्रीमती हो जाओगी क्या अनन्या और नैनश्री? अनन्या श्रीमती, श्रीमती अनन्या श्री. सिक्स आ गया, वेरीफाई कर लिया सबने. 4C2 कैसे निकालेंगे, ऊपर आएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल और एक और क्या आता है, इन दोनों का डिफरेंस. देखो 4 फैक्टोरियल 24 होता है और 2 × 2 = 4 होता है, कट के 6 आ गया. समझ आ गया? समझ आ गया सबको? आ गया होगा. ठीक है, मुझे बताओ जो पहले क्वेश्चन में 6 में से 4 चेयर्स चूज किए थे तो कितने तरीके से होगा, इसको सॉल्व करो जल्दी से. देखते सबसे पहले कौन आंसर देता है. गुड वृंदा, एक 2 तुमने मिस कर दिया. ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल और फिर इनका डिफरेंस भी आता है ना प्रोडक्ट में, दोनों चीजें हैं तो 2 फैक्टोरियल भी आएगा, तो 30/2 आएगा. ठीक है, 3. चलो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये कैसे निकालते हैं. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी देख लो, इसी के थ्योरम्स है एनसीआर की. ध्यान से देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे ना 5 में से 1 आइटम लेना है तो 5 तरीके होंगे. सोचो बिना फॉर्मूले के, सोचो 5 में से 1 उठाना है तो 5 तरीके से उठा सकता हूँ. मुझे ना मंडी में 5 सब्जियां दिख रही है, मुझे 1 उठाना है तो 5 तरीके है ना, इसको उठा लो, उसको उठा लो, उसको उठा लो, उसको उठा लो या उसको उठा लो. समझ आया क्या? मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज नहीं उठानी, तो ये भी एक तरीका होता है. मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 5 चीजें मुझे कुछ भी नहीं उठाना, तो 1 इसकी वैल्यू 1 होती है. जैसे मैं बोलता हूँ कि 5 में से 7 उठा लो, तो वो भी एक ही तरीका होगा ना, सारे उठा लिए, उसमें अलग तरीके थोड़ी आएंगे. क्लियर है सबको? तो 5C0 और 5C5 बराबर होते हैं. अगर मैं फॉर्मूले से करूं, फॉर्मूले से करके देखो, ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल आएगा और 1 आएगा 5 - 0. तो ये दोनों तो कट हो गया और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है. ये कॉपी में लिख लो अच्छे से, वो क्यों होती है वो भी मैं समझाता हूँ. अभी के लिए लिख लो 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 1 होता है. क्यों होता है मैं समझाता हूँ. सपोज करो मुझे 1 आइटम में से 1 आइटम चूज करना है, तो वो भी एक तरीका होगा बिना फॉर्मूले के. सोचो अगर मुझे 1 में से 1 चुनना है तो एक तरीका है ना, यस और नो प्लीज रिप्लाई करो. एक चीज है मुझे उसको उठाना yes, है, ही वे है. अब फॉर्मूले से देखो 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और यहाँ 0 फैक्टोरियल आएगा, इनका डिफरेंस. तो ये 1 होना चाहिए, मतलब ये भी 1 ही होता है. तो इसका डेरिवेशन समझ आया, ये 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये भी 1 ही होगा ना. तो ये याद रख लो, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 0 नहीं होती. ठीक है, डिराइव मैंने कर दिया, ये इसका डेरिवेशन है. ठीक है, जब ये 1 है, जब ये 1 है, जब ये 1 है, तो ये भी 1 होगा बस. तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है. 5C5 देखो, 5C5 में क्या होगा, ध्यान से देखो, 5C5 में इधर 5 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता. जब इनका सम बराबर होता है ना, 0 + 5 = 5 है, 0 + 5 होता है, तो वो वैल्यू सेम होती है. जैसे 5C1 और 5C4 बराबर होता है. क्यों होता है मैं समझाता हूँ, बहुत सिंपल है.
5C1 और 5C4 बराबर होता है, क्यों? क्योंकि 4 प्लस 1 5 होता है ना, इसीलिए। तो ध्यान से देखो इसको जब सॉल्व करेंगे ऊपर 5 आएगा नीचे 4 आएगा, और एक चीज और क्या आएगा इनका डिफरेंस, देखो सेम चीज बन रही है क्या, इसमें भी यही बनेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा, तो फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम होते हैं, समझ आया? तो 5C2 किसके बराबर होगा बताओ मुझे, सम 5 होना चाहिए, 5C क्या होगा? 3, 3, 3, 3. क्यों? क्योंकि इसमें 5 के साथ 2 और 3 आएगा, और इसमें भी 5 के साथ 3 और 2 आएगा, क्योंकि 5 और 3 का डिफरेंस 2 होता है। तो जब भी इनका सम अगर सेम होता है ना, जैसे NCR और NCN-R ये बराबर होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स चीज मैंने नहीं लिखी है, बहुत सिंपल चीज लिखी है, जैसे 6C4 है तो 6C2 बराबर होगा, समझ आ गया होगा सबको? तो ये ट्रिक्स कैलकुलेशन में काम आती हैं, हर जगह निकालना नहीं होता। अब मान लो किसी ने 7C3 निकाला है तो 7C4 निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि 4+3=7 होता है, तो इसके नीचे भी 3 और 4 बनेगा और उसके नीचे 4 और 3 बनेगा, तो वैल्यूज इक्वल होती हैं, समझ आ गया क्या सबको? यस सर। वेदांत मुझे नहीं पता तेरे ऊपर है, ठीक है? तो ये चीजें लिख लो कॉपी में, कि जैसे कि ये एनसीआर और ये बराबर होते हैं, ठीक है? और एग्जांपल के लिए ये सब लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये कॉपी में लिख लो, बाकी लिख लेना बाद में, ठीक है? देखो NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, तुम कुछ भी नहीं ला, 1 तरीका होता है, NCN की वैल्यू भी हमेशा 1 होगी, तो ये ध्यान रखो। अगर मैं 6 में से 6 आइटम लेने तो एक ही तरीका है, जैसे मेरे पास सारी कुर्सियां थी तो हमने 4C4 उसको काउंट नहीं किया था, याद है जब लड़के थे ना, तो उसको हमने जैसे 6C4 था तो मैंने अलग से लिखा था, पर जो मैंने आदित्य के लिए एग्जाम्पल लिया था उसमें कुछ भी नहीं आया था साइड में, क्योंकि सारी लेनी थी, समझ आ गया? तो एक ही तरीका होता है। NC1 की वैल्यू n होती है, जैसे मैंने बोला 5C1, तो 5C1 निकालोगे तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल आएगा, तो इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो 5 फैक्टोरियल को मैं 5×4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि 5, 4, 3, 2, 1 वापस कंटिन्यू होता है, तो ये कट जाता है, तो NC1 की वैल्यू n होती है, मतलब 5 में से एक आइटम उठाना है तो 5 तरीके हैं, और NCN-1 की वैल्यू भी n होती है, मतलब जैसे 5C4 और 5C1 बराबर होंगे, समझ आया क्या? जैसे मैं बोलूं 8C7 कितना होगा तो कुछ नहीं सोचना 8, और 8C1 कितना होगा कुछ नहीं सोचना 8, 8C0 पूछूंगा क्या होगा 1, 8C8 पूछूंगा क्या होगा 1। अच्छे से समझ आ गया सबको, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन फास्ट कर देता है। और एक लास्ट, NC2 की वैल्यू क्या होती है ये तुम्हें याद रखना है। तो NC2 अगर मैं निकालूं तो ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, और एक साथ में क्या आता है n-2 फैक्टोरियल, बिल्कुल मत डरना, समझ आ गई ये चीज, वेरिएबल से बच्चे डरते हैं, यही होगा फॉर्मूले के हिसाब से। अब ध्यान से देखो, मैं n फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ n × उसका नेक्स्ट छोटा नंबर और उसका नेक्स्ट छोटा नंबर, और फिर ये कंटिन्यू होगा, तो मैं यहाँ पे फैक्टोरियल लगा सकता हूँ, राइट? सोचो जैसे यहाँ पे किया था, और यहाँ से ये कट जाएगा, देखा क्या, ये कट जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या होता है, NC2 की वैल्यू होती है n × n-1/2। तो ये रहने से ना बहुत फास्ट होता है कैलकुलेशन, जैसे मैं बोलता हूँ 8C2, तो तुम्हें पूरा नहीं सोचना, तुम्हें सोचना 8×7/2=28। जैसे अभी मैंने किया था शायद 6C4, तुम लोगों से पूछा था, तो जिनको फॉर्मूला पता है 6×5/2 डायरेक्टली 15 आ जाएगा, पूरा नहीं सोचना पड़ेगा, ये बस तुम्हें याद रखना है, बाकी चीजें तो लॉजिकली समझ आ रही हैं, कि सारे आइटम उठाने तो एक ही तरीका होगा, एक आइटम उठाना है तो जितने फ्रूट्स हैं उतने तरीके होंगे। अच्छे से क्लियर है, एक बार लिख दो चैट में सब लोग, दो बच्चों ने क्लास छोड़ दी, अब धीरे धीरे पेशेंस खत्म हो रहा है बच्चों का, इतने में ऋषभ तुझे समझ आ रहा है सब? ठीक है, अगर तुम लोग कायदे से सोचोगे ना, चैप्टर बहुत आसान है, भले तुम बहुत लोग लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो TSD और उसमें इतनी मेहनत लगती है, इसमें इतनी मेहनत नहीं लगती, और ये दिमाग वाला चैप्टर है, दिमाग लगाना है इसमें, कैलकुलेशन कम है इसमें, ठीक है? तो 11 में था तो क्या हो गया, 11 के हर चीज टफ थोड़ी होती है, मैं पास ही नहीं हो पाता, वैसे मैंने 11th का एग्जाम मैंने दिया ही नहीं है, डमी स्कूल था। मैं सीधे 12th का बोर्ड दिया है, रिपोर्ट भी नहीं दिया मैंने, प्रैक्टिकल भी नहीं दिया मैंने, और बता नंबर कैसे लगे? मेरा नंबर ठीक ही था, 89 था, ठीक है।
चलो कहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे? ठीक है, ये सब चीजें देख, स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं, ध्यान से देखो। आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि मेरे पास ना 5 फ्रूट्स हैं, ध्यान से देखना, मेरे पास 5 फ्रूट्स हैं। मजेदार चैप्टर है, अब असली मजा आप शुरू होगा। वेरिएबल वाला पार्ट थोड़ा बोरिंग लगता है बच्चों को। तो 5 फ्रूट है, तो 5 फ्रूट के नाम बता दो मुझे। एप्पल, बनाना, यही 2 फ्रूट सबसे पहले दिमाग में आते हैं। ग्रेप्स, ठीक है, एप्रिकॉट, माय गॉड, मैंगो, ग्रेप्स और शहतूत। कीवी, क्या क्या लिख रहा है भाई? शहतूत लिख रहा है, कीवी लिख लेता हूँ, ठीक है, हो गया भाई, शहतूत, रुक जा। शहतूत, शहतूत का इंग्लिश पता है किसी को? शहतूत डैम्स बनाऊंगा। देखो 5 फ्रूट में से ना आदित्य, मैंने बोला कि मुझे 2 फ्रूट खाना है, तो 5 में से 2 फ्रूट मतलब मैं इसको खा सकता हूँ, इसको खा सकता हूँ, इसको खा सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके जोड़ेंगे नहीं, हम लोग सीधे क्या करेंगे, 5C2, 5 में से 2 चुन लो, समझ आया? और 5C2 की वैल्यू क्या होगी, एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, 10 तरीके से हम खा सकते हैं। बताओ फास्ट हो गया कैलकुलेशन, समझ आया? ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अब ध्यान से सोचो, मेरे पास 6 फ्रूट है। अब 6 फ्रूट में मैं एक फ्रूट ऐड कर देता हूँ, मान लो ए बी एम जी के और शहतूत ऐड कर देता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ना फ्रूट्स खाने, 3 फ्रूट खाने, तो मैं कितने तरीके से खा सकता हूँ फ्रूट, जल्दी से आंसर बताओ। एक उसमें अभी याद आया, मैंने गलत पैर में आइस पैक लगा रखा है इतनी देर से। बताओ, 6C3 वैल्यू भी निकालो, 6C3 तो चलो सब लोग सोच लेंगे, 6 में से चूज कर लो 3, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल दो बार क्यों आएगा, क्योंकि एक बार डिफरेंस भी आता है, तो 6 फैक्टोरियल 720 होता है, और 3 इंटू 3 ये 6 होता है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 36 से डिवाइड होगा, तो 20 तरीके से मैं फ्रूट्स खा सकता हूँ। अनन्या समझ आ गया? यस। ठीक है, अब हम चलते हैं मजेदार सवाल पे, जिसपे सवाल एग्जाम में आता है, और ये जैसे आईपी मैट वगैरह में तो आता है, एलेट में भी बहुत बार आ चुका है, पहले बोल दे रहा हूँ। अब खैर उन्होंने ऐसा बोला है कि पैटर्न चेंज करेंगे, पर मुझे डाउट होता है, ठीक है, तो बता, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ना 4 तो बनाना है, और 3 मेरे पास एप्पल है, और 2 मेरे पास ग्रेप्स, ग्रेप्स तो 2 अजीब सा लगेगा, 2 गुआवा है मेरे पास, ठीक है। अब देखो मैं इसमें लिख रहा हूँ कि इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, बहुत ही इजी चैप्टर है, तुम जो लोग अभी क्लास में रुके हो ना उनको बहुत आसान लगेगा। इन हाउ मेनी वेज कैन वी ईट या कंज्यूम, जो भी लिखना, ईट नहीं, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज 3 फ्रूट्स सच दैट देयर इज एट मोस्ट 3 बनानास। अब इस क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लो, अगला तुम लोग कर लेना। तो इसमें तुम सोचो, कायदे से सोचो कि मेरे पास ना 3 फ्रूट चूज करने हैं। अब 3 फ्रूट में टोटल मेरे पास 9 फ्रूट्स हैं, 3 सबको जोड़ के 9 फ्रूट्स हैं, 4 बनाना है, 3 एप्पल है और 2 गुआवा है। अब मुझे 3 फ्रूट लेना है, तो जिसमें से मेरे पास कंडीशन है कि मैं 3 बनाना से ज्यादा नहीं ले सकता। तो कंडीशन कैसे बनाते हैं कि मैंने एटमोस्ट 3 बनाना, मतलब मैं 0 बनाना ले सकता हूँ, यस और नो? यस और नो टाइप, यस और नो तो लिख सकते हो, तो इंग्लिश का सवाल बन गया। मैं 1 बनाना 0 ले सकता हूँ, मैं 1 बनाना भी ले सकता हूँ, मैं 2 बनाना भी ले सकता हूँ, और मैं 3 बनाना ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन बन रहे हैं, सोच रहे हो सब लोग, ये पहला कंडीशन है 0 बनाना, लेकिन मुझे 3 फ्रूट लेना है, तो बाकी के 3 फ्रूट मैं इन 5 में से लूंगा। कंडीशन बनाना पे है, तो मैं इन 5 को एक साथ लूंगा, तो 5 में से हम 3 ले लेंगे, समझ आ रहा है? 3 हम ले लेंगे अदर्स, यहाँ पे मैं 1 तो बनाना लूंगा, तो 2 लूंगा मैं अदर्स, और यहाँ मैं 1 अदर्स में से लूंगा, अदर्स मतलब क्या होता है, ए या जी में से, और यहाँ पे मैं बाकी कुछ भी नहीं लूंगा, समझ आ गया? तो ये इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना है, फिर प्लस करना है, फिर प्लस करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई क्यों करना है, ये भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हम लोग केस बना रहे, राइट, तो केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है,
तो सारे केसेस को हमें ऐड करना होता है, राइट, क्योंकि हम लोग कैसे बोलेंगे, जीरो बनाना एंड थ्री अदर्स, वन बनाना एंड टू अदर्स, और टू बनानास एंड थ्री, थ्री बनानास एंड नो अदर्स, और यहाँ पे और हम पढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है कंडीशन कैसे पढ़ते हैं, दिस एंड दिस और दिस एंड दिस और दिस एंड दिस और दिस, समझ आ रहा है, तो जहां जहां और लगता है वहां प्लस करते हैं और जहां जहां एंड लगता है वहां हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि केस पूरा होना चाहिए, जैसे जीरो फ्रूट लेके मेरा केस पूरा नहीं हुआ ना, तीन फ्रूट अलग से लेने पड़े, आ गया समझ सबको, एंड और प्लस माइनस। अब ध्यान से देखो, जीरो बनाना लेने हैं तो चार बनाना में से एक भी बनाना नहीं लूंगा, तो फोर सी जीरो इंटू पांच में से तीन लेना है, समझ आ गया, प्लस चार बनाना में से मुझे एक लेना है और बाकी के पांच में से मुझे दो लेना है, प्लस चार में से मुझे अब दो लेना है और बाकी में से मुझे एक लेना है, और चार तीनों चार में से लेना है और इसमें से मुझे कुछ नहीं लेना। अच्छे से समझ आ रहा है, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, एग्जाम में ये सब नहीं लिखना होता, डायरेक्ट ये लिख पाते हैं बच्चे, अच्छे से क्लियर होता है ना तो ये लिख पाते हैं। राहुल तुझे समझ आ रहा है ये सब, आराम से आ रहा होगा समझ, मैं वापस समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये डीआई का सेट बन सकता है, तुम सोचो मैंने 10 फ्रूट दे दिए और मैंने 5 सवाल बना दी, हो गया डीआई, और जिनको आता है वो इसको आसानी से कर लेंगे, जिनको नहीं आता है वो इसको छू भी नहीं पाएंगे, और इसमें कैलकुलेशन भी कम होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी जब मैं आईटी की तैयारी करता था ना, तो मुझे लेवल के हिसाब से डबल टफ सवाल कराते थे, एक इरोडोव नाम से बुक होती है, गूगल करना, वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो हम ये चैप्टर्स क्यों करा रहे हैं, वर्स्ट केस के लिए, लॉ वाले बच्चों के लिए, और आईपी मैट और मैनेजमेंट में तो जरूरी है ही, उनका तो बेसिक है, उनका तो रोज का है, समझ आ रहा है। नहीं तू नहीं भी पूछता तो भी मैं वापस बताता, जियो का इशू खराब, देख ले ऋषभ वापस देख ले, मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है नेटवर्क। चलो देखो ऋषभ, हमें ना कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि मेरे पास टोटल 9 फ्रूट है एंड मुझे उसमें से 3 फ्रूट लेना है, तो अगर मैं कुछ भी कंडीशन लगाता हूँ मैं 9C3 कर लेता कि मुझे 9 में से 3 लेना है, तो बिना कंडीशन के ये हो गया, जैसे प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 9C3 आ जाएगा, ठीक है, तो बिना कंडीशन के 9C3 तरीके हैं। लेकिन अब कंडीशन रख दिया कि भाई 3 से ज्यादा केला नहीं होना चाहिए, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, एक भी बनाना नहीं लिया, तो एक भी बनाना नहीं लिया तो 3 फ्रूट तो मुझे लेना ही है ना, तो मैं बाकी के 5 में से 3 लूंगा, बाकी के 5 फ्रूट है ना ये, इस पे कंडीशन नहीं है। फिर मैंने एक बनाना ले लिया तो बाकी के 2 लेने मुझे, क्योंकि टोटल 3 फ्रूट लेना है, तो वो मैं 5 में से 2 ले लूंगा। फिर मैंने बनाना ले लिया इसमें से 2, तो एक लूंगा अदर्स में से, और तीनों बनाना ले लिया तो अदर्स में से मुझे लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हमेशा नीचे वालों का सम 3 होना चाहिए, देखो 2+1 3 फ्रूट, 2+1 3 फ्रूट, और 0+3 3 फ्रूट, और ऊपर वाले का सम टोटल फ्रूट के बराबर होना चाहिए, 9 में से 3। आ गया अभी क्लियर है, पागल बना रहा है, चेस खेल रहा था। अच्छा कितने लोगों को अच्छे से समझ आ गई, ये एक बार मुझे चैट में लिखना। देखो बेसिक इंग्लिश, ये तुम इसको अगर इग्नोर कर देते हो, तुम बेसिक से चीज कर रहे हो क्या, ये चीज तो सोच सकते हो ना आदित्य, ये चीज में तो मैथ नहीं है, ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, रीजनिंग है ये तो। नहीं खाओ पियो इसमें भी मैथ। तो भाई पूरी दुनिया ही मैथ से चल रही है, ठीक है, पैटर्न बनाते रहो, कितने में 3 केले आएंगे। अब तू मेरी हालत सोच, मैं जब मॉल जाता हूँ मेरे दिमाग में कैलकुलेशन ही चलता है कि स्विगी मार्ट पे कितने में आएगा, यहाँ कितने में मिल रहा है तो यहाँ नहीं लूंगा, दिन भर यही करता हूँ, मेरा हेडेक हो जाता है सर। बस फ्रूट तो 3 सर, 3 ही फ्रूट है तो 4C2 कैसे आ गया, 4C2 भाई 3 ही फ्रूट लिया है मैंने अभिनव, लेकिन 2 मैंने बनाना लिया है, तो बनाना तो 4 ही है ना, तो बनाना जब लोगे तो 4 में से लोगे और अदर्स लोगे तो 5 में से लोगे, तो 1-2 मैंने बनाना लिया है, फिर मैंने एक ये भी तो लिया अदर्स में से, तो टोटल 3 ही फ्रूट लिए हैं, ठीक है अभिनव। यस यस। अब इसका कैलकुलेशन देखो कैसे करते हैं, जैसे 4C0 तो 1 हो जाएगा, तो 4C0 1 हो जाएगा, मैं यहीं पे ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से लिखता हूँ ताकि तुम्हारे नोट्स में दिक्कत ना आए, ये 1 हो जाएगा क्योंकि 1 होता है, ये भी 1 होता है, राइट, ये भी 1 होता है। NC3 NCN-1 क्या होता है, एन के बराबर होता है, याद आया, 4 में से 3 लेना है या 4 में से 1 लेना है, एक ही बात है, तो ये भी 4 हो जाएगा, समझ आ रहा है। 5C2 और 5C3 बराबर होंगे, यस और नो, क्योंकि ये 3 और 2 5 होता है, तो 5C3 की वैल्यू क्या होगी, N(n-1)/2, तो ये हो जाएगा 10, तो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, बराबर होते हैं। और 5C1 NC1 5 होता है, 5 में से 1 लेना है, तो 5 तरीके हैं।
और 4C2 कैसे निकालेंगे, 4C2 भी 4 into 3 minus 2 से निकल जाएगा 6। बताओ अगर वो फॉर्मूले मैंने क्यों लिखाए थे, अब समझ आ गया। अब ये सोचो एग्जाम में आया तो इजी है, केस बनाने और बहुत आसान सवाल है। तो 10, 40, 30, 70 और 4, 74 तरीके से मैं फ्रूट्स खा सकता हूँ। आ गया समझ सबको? वृंदा तुम्हें समझ आया क्या? वेदिका सॉरी, पता नहीं मुझे नाम में कंफ्यूजन है, समझ आ गया? एक और एग्जांपल लेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है? एक और एग्जांपल लेंगे, एक और नहीं इनफैक्ट दो और एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है? आगे बढ़े हैं, किसी को बाकी लोग भी टाइप कर दो, सबको क्लियर है ये चीज कैसे कैसे केस बनाए, और फिर हमने केस बनाने के बाद तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, मैं सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स ले लेता हूँ, 4 बनानास, 3 एप्पल्स एंड 2 गुआवास। अब मैं कंडीशन बना रहा हूँ, तुम लोग करना आराम से, ठीक है? फिर मैं भी सॉल्व करूंगा। इन हाउ मेनी वेज, तुम ऐसा समझो मैं डीआईसीटी बना रहा हूँ, एक सवाल हो गया, दूसरा सवाल बना रहा हूँ। इन हाउ मेनी वेज सर, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने 9C3 से तो डिवाइड करा नहीं, वो तो मैंने बोला कि जब प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तब, जब नंबर ऑफ वेज पूछेंगे तब तो नहीं करेंगे ना, नंबर ऑफ, वो तो प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तब मैंने बोला कि डिवाइड कर देना टोटल तरीके से विदाउट एनी कंडीशन। अगर मुझे फ्रूट लेना है तो 9 में से कोई भी 3 उठा लूंगा, समझ आया? ठीक है ठीक। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज 4 फ्रूट्स सच दैट देयर इज एटलीस्ट टू, या देर आर एटलीस्ट, ग्रामर पे मत जाना मेरे, मैं बहुत ही बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ। देर आर एटलीस्ट 2 गुआवास, नहीं 2 गुआवास नहीं, देर आर एटलीस्ट 2, पिछले एप्पल लिया था, बनाना लिया था, एप्पल्स, ठीक है? करो एक बार ट्राई करो, एटलीस्ट केस बना लो, कैलकुलेशन भी उसके बाद ट्राई करना, केस तो बनाना बहुत आसान है, सब लोग सोच लोगे। गुड मॉर्निंग सर, ये क्या है 11:03 पे? स्कूल कॉलेज मत जाया करो, फ्यूचर कोचिंग भी बनाती है। अच्छा बोर्ड था क्या फिर तो? रिदम तुम्हें सब समझ आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, केस बना लिया तुमने रिदम? नहीं सर, बना रही हूँ अभी। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हमें टोटल 4 फ्रूट चूज करना है, तो जो सबस्क्रिप्ट में होता है ना उसका सम 4 होना चाहिए हमेशा, सबस्क्रिप्ट मतलब जो नीचे के साइड होता है। ध्यान से देखो, एटलीस्ट 2 एप्पल्स, तो एप्पल्स हमें 3 है टोटल, तो मैं एटलीस्ट 2 मतलब या तो मैं 2 एप्पल ले सकता हूँ या तो 3 एप्पल ले सकता हूँ, दो ही केस बनेंगे, है ना? दो ही केस बनेंगे, ये तो अभिनव सही था, दो ही केस बनाए थे तूने। यस सर, दो एप्पल 3 एप्पल, टोटल हमें 4 फ्रूट चाहिए अभिनव, ठीक है? तो अगर मैंने 2 एप्पल ले लिया तो 2 मुझे अदर्स में से लेना पड़ेगा, अदर्स मतलब बनाना या गुआवा में से, समझ आया? और इधर मैंने 3 एप्पल ले लिया तो 1 मुझे बनाना या गुआवा में से लेना पड़ेगा, समझ आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो अब हो गया, मैंने केस बना लिया फटाक से, तो हमारे पास एप्पल 2 लेने हैं, तो एप्पल तो एप्पल में से ले सकते हैं, तो 3C2,
और अदर्स में छह में से ले सकता हूँ, चार ये और दो ये, तो 6C2 प्लस थ्री में से तीनों ले लिए और छह में से सिर्फ एक लिया, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो 3C2 की वैल्यू 3 ही होती है, 6C2 की वैल्यू क्या होती है, 6 × 5/2 n × n-1/2, और ये तो 1 ही होता है और ये तो 6 ही होता है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, ये आ जाएगा 15 × 3 = 45 + 6 = 51। वेरी गुड आदित्य, समझ आ गया। बताओ जिनको आ गया है वो कितना आसानी से एग्जाम में कर लेंगे, यस और नो? जिनको नहीं आया जो लोग जी का अलग अलग नहीं बनाएंगे किसका, जैसे आपने क्या कहते हैं एप्पल का तो 3C2 दिखा दिया और बाकी जो बनाना का वो अलग है। मैंने किसी और फ्रूट पे कंडीशन लगाया है कुछ, नहीं कंडीशन नहीं लगाया, पर उसको सिर्फ एक साथ दिखा देंगे ज्वाइन करके। जब कंडीशन नहीं लगाया तो मैं दो फ्रूट में, ये जो दो फ्रूट है ये दोनों बनाना हो, दोनों गुआवा हो, क्या फर्क पड़ता है, तो कंडीशन नहीं लगाते, ठीक है? जिस पे कंडीशन लगाए उसी को लिखते हैं अलग से, बाकी अदर्स में से। लास्ट केस में मैंने अदर्स मेंशन किया था, मिला के एप्पल या गुआवा में से कुछ भी ले लो, ठीक है? आ गया होगा समझ। अब बताओ इसमें, इसी में अगर प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा, प्रोबेबिलिटी का सवाल कैसे पूछते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एटलीस्ट टू एप्पल्स, फोर एप्पल्स आर चोजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एटलीस्ट टू एप्पल्स, तो क्या होगा, 51 ऊपर रहेगा, नीचे क्या आएगा, 9C3। 9C3 क्यों, क्योंकि बिना कंडीशन के हम 9 में से 3 ले सकते हैं। बताओ प्रोबेबिलिटी भी आसान है, इसी से फर्दर डिराइव होता है प्रोबेबिलिटी। क्लियर है सबको, 9C3 की वैल्यू निकालो, चलो प्रैक्टिस के लिए पूछ रहा हूँ, 9C3 की वैल्यू निकालो। हाँ सॉरी 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 9C4 सॉरी, इस केस में चार फ्रूट है तो 9C4 होगा, ठीक है, वैल्यू निकालो, चलो कोशिश करो, लंबा सा नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में जनरली इसी फॉर्मेट में आंसर होता है, इनकेस दे दिया तो आना चाहिए। वैसे मैं एग्जाम में पता है क्या चेक करूंगा, ऊपर 17 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 17 तो कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि 17 है ही नहीं, तो नंबर के ऊपर ना 17 का मल्टीपल होना चाहिए, मैं ऑप्शन में चेक कर लूंगा। ये समझ आया कि 17 के टेबल में आता है। 9C4 कैसे निकालेंगे, 9 × 8 × 6 × 7 × 5 × आगे चलेगा और नीचे 4 × 5 आएगा तो ये कट जाता है, ये होता है 24 से कटेगा 3 times, 3 से कटेगा 2 times, फिर 9 × 14 = 126, तो आंसर क्या है हमारा, 51/126, 3 से एक बार कट जाएगा, 17/42। बताओ मजेदार सवाल है, और जिनको आ गया है ना वो एग्जाम में अगर आ गया तो वो बहुत ही लकी होंगे और वो सबसे पहले हो सकता है अटेम्प्ट कर लें अगर अच्छे से आता है तो, कुछ भी नहीं है इसमें, सोचो कितना छोटा सा कैलकुलेशन है। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन ले लूं क्या, ज्यादा फ्रूट्स करके प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर मैं अगले टाइप के सवाल पे मूव करूंगा। देर आर, अब मैं फ्रूट्स बढ़ा रहा हूं, देर आर 5 apples, 4 bananas and 4 guavas, ठीक है, टोटल कितने फ्रूट हो गए, 13 हो गए, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट 6 fruits सच दैट देयर आर एग्जैक्टली, तीसरा टाइप का लैंग्वेज, एक होता है एटमोस्ट, एक होता है एटलीस्ट, एक होता है एग्जैक्टली, ठीक है। देयर आर, अमित इसमें इसी में बना देता हूँ सवाल ताकि एक ही साथ समझ आए। पहला सवाल है इसमें एग्जैक्टली 3 guavas, ठीक है, स्टार्ट कर दो क्वेश्चन करना। सेकंड क्वेश्चन है एट मोस्ट 3 apples, तीसरा है एटलीस्ट 2 bananas। देखो तीनों सवाल तुम करोगे ना तो तुम्हें बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है, आज का दिन तुम्हारा सफल हो जाएगा, तुम्हें लगेगा तुम्हारे जीने का कोई मकसद है। स्टार्ट करो और खत्म भी करो, मैं म्यूट कर रहा हूँ, तरबूज खा रहा हूँ।
चलो देखो, आदित्य ने टाइप किया था, मैंने ग्रुप में फोटो भेजा है, जीवन का मकसद केले की प्रोबेबिलिटी निकालना है। अच्छा बात सही है, क्या चल रहा है ये? उसका प्रोबेबिलिटी निकालो भाई। मैंने जितनी चीजें पढ़ी, मजाक बना दी जिंदगी, मैंने जितनी चीजें पढ़ी थी ना आईआईटी के टाइम, एक भी चीज मेरे कॉलेज में काम नहीं आई और एक भी चीज मेरे अभी काम नहीं आ रही इन सिवाय क्लास में पढ़ाने के। ठीक है तो नहीं, वकील ने ये थोड़ी करना, केले की प्रोबेबिलिटी निकाल लो टेबल पे कितने रखे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, तेरे केस को लड़ने की जीतने की प्रोबेबिलिटी तो निकालेगा ना वो, तो जज निकालेगा ना, मैं थोड़ी निकाल लूंगा। तेरे जीतने के जज क्यों निकालेगा, जज को क्या करना तेरे जीतने से। चल क्वेश्चन पे आ जा, इंटरप्रेट करेगा, क्वेश्चन पे आ जा, जज इंटरप्रेट करेगा। देखो पांच एप्पल है, फोर, देखो आसान कितना होता है, तीन गुआवा चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें फिक्स कर दिया मैंने एक ही केस है कि तीन गुआवा लेना है, तो बचे हुए तीन फ्रूट मुझे कितने में से लेना है, इन दोनों में से, तो नाइन में से मुझे, नाइन फ्रूट्स में से मुझे तीन फ्रूट लेना है। अभिनव समझ आया? यस सर। तो गुआवा चार है, तो चार में से मुझे तीन लेना है इन टू बाकी के नाइन फ्रूट्स पे कोई कंडीशन नहीं है, उनमें से तीन लेना है। कितने लोगों का सही था ये, चैट में लिख दो यस नो, बताओ। बहुत आसान है ये भी, मान लो डीआई का एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है नेक्स्ट देखो, ये भी एक डेटा है, केला सब्जी फल, ये भी एक डेटा है, डेटा इंटरप्रिटेशन ही कर रहे हैं हम। नेक्स्ट ऑलमोस्ट थ्री, एटमोस्ट, ऑलमोस्ट नहीं आएगा कभी भी, ऑलमोस्ट फिर अजीब सा आ जाएगा, ऑलमोस्ट मतलब कुछ लोग दो का निकाल लेंगे, कुछ लोग तीन का निकाल लेंगे, कुछ लोग चार का निकाल लेंगे। एटमोस्ट तीन मतलब हमें जीरो एप्पल ले सकते हैं, ठीक है, हम एक एप्पल ले सकते हैं, हम दो एप्पल भी ले सकते हैं, हम तीन एप्पल भी ले सकते हैं, चारों एप्पल हम नहीं ले सकते हैं, पांचों एप्पल भी नहीं ले सकते हैं। तो जीरो एप्पल जब लेंगे तो एप्पल पांच है, तो पांच में से कुछ भी नहीं लेना है, लेकिन बचे हुए जो फ्रूट है आठ, ठीक है, बचे हुए फ्रूटों में से मुझे आठ में से मुझे छह लेना पड़ेगा। समझ आया? पांच में से एक ले लेंगे तो मुझे बचे हुए में से पांच लेना होगा, बहुत आसान होता है। पांच में से हम दो एप्पल ले लिए तो बचे हुए दो, बचे हुए आठ फ्रूट में से मुझे चार फ्रूट जो है वो लेने होंगे। अब मैं पांच में से तीन ले लिया तो बचे हुए आठ फ्रूट में से मुझे तीन लेना होगा। कितने लोगों का ये भी सही था, कैलकुलेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बस ये लिखना कितने लोगों का सही था, उनको चैप्टर आ गया, कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस से आ ही जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका ही सही है, मतलब एक ने लिखा है वी, तीन लोग साथ में, ठीक है। और एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू बनाना मतलब केस बनाओ, तो एटलीस्ट टू मतलब दो तो लेने हैं बनाना, फिर तीन ले सकते हैं बनाना और चार ले सकते हैं, पांच क्यों नहीं ले सकते अभी ना, पांच बनाना क्यों नहीं ले सकते, चार ही बनाना है। ठीक है मुझे नहीं पता था, अभिनव नाम की लड़की भी है क्लास में, चलो आगे देखो। देखो नेक्स्ट, इसमें फिर हम लोग लिखेंगे कैसे, बनाना हमारे पास चार है, तो चार में से हमें दो ही लेना है, या फिर चार में से हमें तीन लेना है, या फिर चार में से चारों ले लो। तो अब बचे हुए हमें छह फ्रूट तो पूरे करने हैं ना, तो मुझे बचे हुए तीन फ्रूट यहाँ कितने में से लूंगा, तो बचे हुए नौ, नौ इनमें से, एप्पल और गुआवा में से, तो नाइन सी थ्री, यहाँ पे एक कम हो जाएगा, नाइन से टू हो जाएगा, और यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, नाइन से फोर हो जाएगा। बताओ बहुत आसान है लिखना, तो कैलकुलेशन देखते हैं अब, ये इसका अलग स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि कैलकुलेशन में सब कुछ गंदा हो जाएगा। डीआई सेट के तीन सवाल हो गए और पीछे दो सवाल हो गए, पांच सवाल। अब देखो ध्यान से, ये तो जहां भी जीरो दिखे वो तो वन होता है, जहां भी वन दिखे वो तो उतना ही होता है फाइव, टू दिखे तो टू वाला कैसे निकालते हैं, फाइव इंटू फोर अपॉन टू से निकालते हैं, और ये जो ये दोनों बराबर होते हैं, फाइव सी टू और फाइव सी थ्री बराबर होते हैं, क्योंकि जहां भी ये टू है और थ्री इनका सम जो है वो फाइव होता है ना, तो ये बराबर होते हैं, तो ये टेन होता है, तो ये भी टेन हो गया, ये टेन हो गया, ये टेन हो गया। एट सी सिक्स भी हम निकाल सकते हैं, एट इंटू सेवन अपॉन टू से, ये सब तो निकल जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक? फोर सी थ्री फोर हो जाएगा, क्योंकि अगर एक कम आइटम लो तो फोर सी थ्री और फोर सी वन बराबर ही होते हैं, थ्री प्लस वन फोर होता है, तो ये फोर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो जो चीजें जल्दी से निकल जा रही है वो मैं लिख दे रहा हूँ। नाइन सी टू निकालना बहुत आसान है, नाइन इंटू एट अपॉइंट टू आ जाएगा, ये होता है थर्टी सिक्स। फोर सी फोर जो है वो वन ही होता है, क्योंकि सारे आइटम लेना है। फोर सी थ्री वो फोर होता है, एन सी एन माइनस वन जो है वो एन के बराबर होता है। फोर सी टू कैसे निकालते हैं, फोर इंटू एन इंटू एन माइनस वन अपॉइंट टू, ये होता है सिक्स। ये सब वैल्यूज फटाक से निकल गए, यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब जो वैल्यूज गंदी है वो मैं निकाल रहा हूँ, जैसे ये वैल्यू मुझे निकालनी होगी, इसका फॉर्मूला नहीं मैंने बनाया, क्योंकि हर चीज का फॉर्मूला नहीं बनाना होता। तो दिस इज नाइन फैक्टोरियल अपॉन
थ्री फैक्टोरियल और सिक्स फैक्टोरियल, तो हम लोग 9 × 8 × 7 तक लिखेंगे और सिक्स फैक्टोरियल तो फिर रिपीट ही होता है तो कट जाता है। थ्री फैक्टोरियल कितना होता है, सिक्स होता है, थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू सिक्स होती है। 9 × 8 = 72 होता है, 72 से को सिक्स से काट देंगे 12 times, 12 × 7 = 84, 84 × 4 हमारा आंसर आ गया 336। समझ आ गया पहला 336 आंसर। ये हमारा 28 आ चुका है, तो 28 प्लस 8c5 कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, 8 फैक्टोरियल अपॉन नीचे जो है, ध्यान से देखो नीचे 5 आएगा और 3 आएगा। अब 8 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 8 × 7 × 6 और आगे 5 जो है वो कट जाता है। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, 6 कट गया, 8 × 7 = 56, तो ये हमारा आ गया 5 × 56। 8c4, 8c4 कैसे निकालेंगे, 8 × 7 × 6 × 5, उसके बाद 4 फैक्टोरियल हमने लिखा है, क्यों, क्योंकि नीचे 4 दो बार आएगा कि 8 − 4 और 4, तो ये कट गया। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है, 24 किससे कटेगा, देखो 8 × 6 = 48 होता है ना, तो 24 उसको दो बार काट देगा, एक साथ उड़ा दिया, 2 × 5 = 10 और × 7 = 70 आ गया। समझ आ रहा है सबको, तो ये 700 हो गया, ये हो गया 56 × 5 = 280 होता है, और ये 28 हो गया, और 8c3 हमने निकाला है कहीं पे, 8c5 और 8c3 बराबर होंगे, सोचो 5 और 3 8 होता है, तो 8c5 मैंने जहां पे निकाला था 56, तो ये भी 56 है, तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन आए। देखा ये 560 आया, ये देखो 700 आया, तो 1260 हो गया, यहाँ पे देखो 280 और आ गए, और यहाँ पे 28 और है। समझ आ गया, मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिया था, तुम्हारे एग्जाम में अगर आएगा ना, तो ये तो खैर कैट और एपीमैट में बहुत कॉमन है, लॉ में अगर आएगा तो कायदे से मैं अगर डालता हूँ तो मैं कम फ्रूट्स लूंगा, मुझे इतना कैलकुलेशन नहीं करवाना उनसे। बाकी कंसेप्ट सबको क्लियर है, सबको समझ आ गया? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं दोनों बैचेस को क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ा बीमार हूँ एंड बेसिक क्लास मैंने पढ़ाना था दोनों को, तो मैंने साथ में ले लिया, किसी को इश्यू नहीं होना चाहिए, और अगली क्लास में सबको नहीं आना है, ठीक है, उसमें सिर्फ मैनेजमेंट वाले आएंगे। क्लियर है, जो एडवांस लेवल होगा, किसी को इश्यू तो नहीं है ना, लिख दो इश्यू, क्लास से निकाल दूंगा और क्या। चल ठीक है आदित्य, बाय। चलो ठीक है, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए, समझ आ रहा है सबको अच्छे से, यहाँ तक क्लियर है ना? नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे मूव करें, इसको भी कैलकुलेट कर दो या कर लोगे खुद से, मेरे हिसाब से कर लोगे, खुद से प्रैक्टिस कर लेना, या मैं कर ही देता हूँ ऑप्शन मैच, जल्दी से कर देता हूँ। देखो 9c4 निकालना है, तो 9 × 7 8 × 7 × 6, अब मैं 5 नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि 9 − 4 = 5 आता है, वो कट जाता है। 4 फैक्टोरियल आ गए, ये 24 होता है, 9 × 8 = 72 होता है, 72 को 24 तीन बार काट देता है, 3 × 6 = 18 × 7 = 126 यहाँ पे आ जाएगा, 4 × 6 = 126। 9c3 कैसे निकालेंगे, 9 × 7 × 8 × 6 मैं यहीं पे रोक दूंगा, क्यों, क्योंकि 9 − 3 = 6 नीचे आएगा, वो प्रैक्टिस से दिखने लगता है, ठीक है, ये 6 होता है, 9 × 8 = 72 होता है, उसको 12 times कट करेगा, 12 × 7 = 84, तो हम इसको फिर 4 × 84 = 336, और यहाँ पे हमारे पास 36 और थे, और यहाँ पे मेरे पास 6 × 126 ऐड कर लेंगे। कैलकुलेशन भी सबको क्लियर है, अच्छे से एक बार यस नो लिख दो चैट में, ठीक है, बहुत आसान है। देखो प्रैक्टिस अब तुम्हें इतनी नहीं करनी, बेसिक आना चाहिए, एटलीस्ट ये आना चाहिए, और छोटे छोटे कैलकुलेशंस आने चाहिए, फ्रूट कम होंगे तो आराम से हो जाएगा, ज्यादा भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट तो दे ही सकते हो ना सेट को, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जिसको थोड़ा सा पानी वानी पीना है ब्रेक ले लो, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। अरेंजमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस पता चल गया, जब चीजों को अरेंज करते हैं ना, जैसे अभी हम अरेंजमेंट करेंगे डिजिट्स का तो नंबर बनेंगे, लास्ट जो भी हम कर रहे थे फ्रूट्स वाला वो बेसिकली सिलेक्शन था, हम बस फ्रूट्स लेके उनको टोकरी में सजा नहीं रहे थे, तो अरेंज नहीं कर रहे थे, आई होप ये भी क्लियर होगा। चलो पी लिया पानी, ठीक है। अब देखो, अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 5 digits है, 1 2 3 4 5, मैंने बोला कितने नंबर बनेंगे, इसका आंसर जल्दी से दे दो, कितने नंबर बन सकते हैं 5 digits के, कितने नंबर बनेंगे 5 factorial, वेरी गुड, बहुत आसान है, ठीक है। वरिंदा समझ आ रहा है 5 factorial क्यों होगा, 5 times अरेंज होगा, 5 जगह है, 5 नंबर को बिठाना है 5 factorial, ठीक है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब मैं बोलता हूँ कि 4 digit नंबर कितने बनेंगे, तो 4 digit नंबर भी कितने बनेंगे, सोचो पहले 4 places है मेरे पास, तो 5 options, 4 options, 3 options और 2 options, तो 5 factorial ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 multiply में है तो वो वैल्यू फर्क नहीं पड़ता, ये समझ आ, ठीक है।
अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि कितने नंबर ऐसे बनेंगे, फाइव डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे जो कि एंड विथ थ्री। कितने ऐसे नंबर हैं जो थ्री से एंड होंगे, ये सोचो। बहुत ही मैं सब कुछ रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ, एक साथ ही लिख रहा हूँ ताकि एक एक करके ना एक साथ अलग अलग वैरायटी दिखती है ना तो याद रहती है, समझ आ जाता है। तीन मतलब एंड विथ थ्री, तो लास्ट में थ्री आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन सेंस से, पांच कुर्सियां हैं मेरे पास तो मैं लास्ट वाली कुर्सी पे ना थ्री को बिठा दूंगा, तो थ्री वहां फिक्स हो गया, अब थ्री इधर उधर नहीं जा सकता, थ्री को मैंने फिक्स कर दिया है। तो बच गए चार चीजें, तो यहाँ पे चार ऑप्शन, यहाँ पे तीन ऑप्शन, यहाँ पे दो ऑप्शन, यहाँ पे एक ऑप्शन, तो आंसर क्या आ जाएगा 24। आ गया समझ सबको अच्छे से, सोचो आराम से, बहुत आसान है, लोगों को बिठा ही रहे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इसको ऐसे भी सोच सकते थे क्या कि टोटल 120 नंबर्स बनते हैं, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो हर एक नंबर जो है इक्वल टाइम्स लास्ट प्लेस पे आएगा। सोचो हर एक नंबर इक्वल टाइम्स लास्ट प्लेस पे आएगा, क्योंकि कुछ पार्शियलिटी तो होती नहीं है नंबर्स के बीच में, तो 120 अपॉन 5 भी 24 होता है। तो ऐसे भी सोच सकते थे कि हर एक नंबर इक्वल टाइम्स लास्ट पे आएगा। याद आया मैंने शुरू में एग्जाम्पल लिया था, तो मैंने ए को लिया था तो छह तरीके आए थे, तीन, फिर बी को लिया था छह तरीके आए थे, याद आया क्या सबसे पहला एग्जाम्पल, वैसा ही कुछ है। जब थ्री को फिक्स कर देंगे तो 24 नंबर बनेंगे, जब वन को फिक्स कर देंगे तो भी 24 नंबर बनेंगे, जब टू को फिक्स कर देंगे तो भी 24 नंबर बनेंगे, फोर को करेंगे तो भी बनेंगे, और फाइव को करेंगे तो भी बनेंगे, तभी तो टोटल 120 आता है। प्लीज यस नो टाइप करो, मैं पागलों की तरह समझाया जा रहा हूँ। यस बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि यूजिंग दीज फाइव डिजिट्स हाउ मेनी इवन नंबर्स कैन बी मेड। अनन्या स्टार्टिंग से रिपीट करूं, अनन्या देखो अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि मेरे पास चार चार लोग हैं, तो ए को अगर मैं यहां फिक्स करता हूं तो छह अरेंजमेंट आती हैं ए को फिक्स करके, याद करो, माइक पे आ जाओ, बी सी डी बी डी सी करके, याद है? नहीं याद है तो मैं बता दूंगा, वापस बता दूं ना। देखो ए को मैंने फिक्स किया तो बी सी डी बी डी सी, सी बी डी सी डी बी, डीसीबी डीबीसी, छह अरेंजमेंट नहीं बन रही थी सर, एक सेकंड, हमको छह तो नहीं आते, एक सेकंड, ठीक है। तो वैसे मैंने बोला कि मान लो कि छह मेरे पास नंबर्स हैं, और फर्स्ट नंबर यहाँ पे मैंने रख दिया है वन, वन को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, तो चार ही तो बचेंगे फिर, तो चारों को यहाँ अरेंज कर दो वन को फिक्स रखते हुए, तो 24 चीजें आती है, 4 फैक्टोरियल। अब समझ आया? तो वैसे ही फर्स्ट प्लेस लो लास्ट प्लेस लो, नंबर तो उतने आएंगे ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने तुमसे पूछा इवन नंबर कितने होंगे, इवन नंबर के लिए मेरे पास लास्ट में टू और फोर होना चाहिए, तो 24 48 बन जाएंगे, समझ आ गया? समझ आ गया, जिनके लास्ट में टू है और जिनके लास्ट में फोर है, और ऑड नंबर कितने बनेंगे, जिनके लास्ट में वन थ्री और फाइव है, तो 72, और फाइव के मल्टीपल कितने बनेंगे, फाइव के मल्टीपल कितने बनेंगे, सोचो आराम से सोचो, कुछ भी नहीं टफ है, फाइव के कितने मल्टीपल बनेंगे, जिनके लास्ट में फाइव हो तो कितने बनेंगे, 24। सबको समझ आ रहा होगा, फाइव के कितने मल्टीपल होंगे जिनके लास्ट में 24 है। 48 कैसे आया आदित्य, 48 ऐसे आएगा, मैंने बोला इवन नंबर्स, तो इवन नंबर के लास्ट में टू और फोर हो सकता है ना, तो 24 इसके करस्पॉन्डिंग और 24 इसके करस्पॉन्डिंग 48। या तू ऐसे भी सोच सकता है, देखो मेरे पास टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 डिजिट्स है, मैंने बोला कि इवन नंबर्स कितने बनेंगे, तो मैं लास्ट में मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं लास्ट में, मेरे लास्ट डिजिट के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, समझ आया आदित्य, लास्ट वाले डिजिट के लिए दो ऑप्शन है। यस सर, यस। तो एक डिजिट को मैंने मान लो प्लेस कर दिया, तो बचे हुए चार यहाँ पे आ सकते हैं, फिर बचा हुआ तीन यहाँ आ सकता है, बचा हुआ दो यहाँ आ सकता है, और लास्ट का डिजिट यहाँ आएगा, तो फिर से 48 आएगा, या ऐसे भी कर सकते हो। आई होप सबको आ गया होगा। अब तुम लोग सॉल्व करो एक क्वेश्चन, मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, यूजिंग द डिजिट्स अब एक डिजिट में चेंज कर दूंगा तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। जीरो, तो एक डिजिट मैंने लिया है जीरो,
using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, how many six digit even numbers can be made? ठीक है, even को पहले गोली मारो. पहला पहले तो ये निकाल लो, हाउ मेनी टोटल नंबर्स, हाउ मेनी टोटल, और फिर दूसरा क्वेश्चन निकालना इवन नंबर्स. दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, एक बार सोचो, फिर मैं दो मिनट बाद खुद बताऊंगा. मैं म्यूट कर रहा हूँ खुद को. चलो स्टार्ट करें फिर. देखो सबसे पहले टोटल कितने बनेंगे नंबर्स. अब ध्यान से सोचो, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं चेंज करना है, बस कॉमन सेंस रीजनिंग का सवाल है, ऐसा समझो. तो अब पहले प्लेस पे छह डिजिट है, लेकिन मैं छह यहाँ नहीं डाल सकता, ठीक है ना. जीरो यहाँ पे नहीं आएगा, ये समझ आया? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फिर फाइव डिजिट नंबर बन जाएगा. तो हमारे पास यहाँ पे ना पांच ही ऑप्शन है, ठीक है. ये मैं डिजिट्स नहीं लिखता हूँ, कितने नंबर ऑफ ऑप्शन है या कितने नंबर ऑफ वेज है. तो पांच वेज है, ये वाला पांच नहीं होता, ये पांच वेज होते हैं. तो पांच वे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर वापस पांच वे हो जाएंगे. क्यों? कि एक डिजिट तो मैंने यहाँ यूज कर लिया, पर जीरो यूज नहीं करा था. जीरो यहाँ पे वापस आ जाएगा, मतलब छह में से एक यूज किया तो पांच बच गए. समझ आ गया? और फिर वापस 4 × 3 × 2 × 1. तो हल्का सा चेंज किया, कितने लोगों का सही था, कितने लोगों ने जज कर लिया था. 2500, 300, 600 टोटल बनेंगे डिजिट्स. समझ आ गया? हल्का सा चेंज किया, पहले पे जीरो नहीं आ पाया, फिर उसके बाद सेम चला. जैसे नॉर्मली 6 × 5 × 4 होता ना, बस पहले में 5 ही रह गया, 6 नहीं रहा. समझ आ गया वृंदा? समझ आ गया रिदम? हाँ, रिदम ने लिख दिया है. नयनश्री समझ आया? अनन्या तुम्हें समझ नहीं आया? माइक पे आ जाओ एक बार. नो सर, ये ऑड इवन वाला कंफ्यूज कर दिया. पहले तो तुमने समझ आ गया, लेकिन ये बाद में प्लेसेस. मैं ऑड इवन पे हो ही नहीं, मैं टोटल नंबर्स बना रहा हूं. हां, वो टोटल वाला भी पहले जो आपने कराया था ना, वो तो समझ आ गया था एग्जांपल से, लेकिन अब कंफ्यूज हो गई वापस. मैंने पहले बोला था कि जीरो है, इसमें कंफ्यूज हो गए, तो कोई नेचुरल सी बात है, टेंशन मत लो. मुझे पहले बताओ कि ये टोटल नंबर कितने बनेंगे, वो समझ आया? पहले में 5 लिखा है, 6 क्यों नहीं लिखा है? हां, कि वो जीरो की वजह से. तो फिर ऑड इवन वाला समझ नहीं आया तुम्हें? नहीं, ठीक है, 5 तो आगे की, हाँ 5 पेज है, लेकिन दोबारा ये जो 600 है ना, ये मेरे को कैसे है, ये पता है? 5 5s are 25, 4s are 100. तो इसमें 5 केसेस दोबारा क्यों लिखी है? 0 तो हट गया ना.
जीरो हट गया यहाँ पे ना, जीरो यहाँ पे तो यूज हो सकता है ना, यहाँ पे तो मान लो मैंने फर्स्ट प्लेस पे थ्री यूज कर लिया, तो अब वन टू थ्री फोर फाइव पांचों यहाँ आ सकते हैं ना, जीरो यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, कोई सिक्स्थ नंबर में सेकंड प्लेस पे जीरो नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है चलो इवन नंबर देखते हैं। इवन नंबर के लिए हमें क्या करना होगा, इवन नंबर के लिए पीछे से सोचेंगे, क्योंकि पीछे का पीछे क्या क्या आ सकता है, वन टू सॉरी फोर टू और जीरो आ सकते हैं पीछे। ये क्लियर है सबको, लास्ट के प्लेस पे फोर, ये टफ लेवल सवाल है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, आराम से सोचो, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें सिली मिस्टेक करते हैं। लास्ट प्लेस पे इवन नंबर में यही तीनों आ सकते हैं गिवन ऑप्शंस में से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तरुण तुझे अभी भी नहीं आया, माइक पे आ जाओ। इवन नंबर रीति का अलग सवाल था, अब वो करा रहा हूँ, ये डाउट है क्या तुम्हारा? इवन नंबर अब करा रहा हूँ, वो दो सवाल थे, ये टोटल का एक सवाल था और ये इवन अलग था, मैंने लिखा नहीं था प्रॉपरली। फर्स्ट प्लेस पे क्यों रखा है टोटल में, कहाँ रखा है भाई जीरो, पांच ही ऑप्शन तो लिखे हैं जीरो को हटा के, सेकंड प्लेस पे जीरो आया ना, फाइव क्योंकि जीरो नहीं ले सकते निशान, इसलिए छह में से पांच ही चीजें हम फर्स्ट प्लेस पे डाल सकते हैं, जीरो थोड़ी डाल सकते हैं, जीरो से नंबर शुरू होता है तो एक डिजिट कम हो जाएगा ना, समझ आया निशांत? ठीक है, अब इवन नंबर के लिए मुझे पीछे चार या दो रख सकते हैं या जीरो रख सकते हैं, तो हम अलग केस लेंगे। सपोज करो मैंने जीरो को लास्ट में रख दिया, अब जीरो को लास्ट में रख दिया तो आगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो तो मेरा फिक्स हो गया ना यहाँ पे। अब मैं बचे हुए पांचों को यहाँ पे फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन कर सकता हूँ, क्योंकि जीरो तो यहाँ पे चला गया है, तो मेरे पास ये तो आ गया 120, ये समझ आ गया, जीरो को जब लास्ट में रखा तो 120 इवन नंबर बनेंगे जीरो से एंडिंग वाले, ये समझ आ गया सबको, क्योंकि जीरो को फिक्स कर दिया तो इधर को जीरो का आने का चांस ही नहीं था। अब सपोज करो मैंने पीछे टू को फिक्स किया है, जो डिजिट टू है ना उसको मैंने पीछे रख दिया है, ठीक है, तो डिजिट टू को मैंने पीछे रखा, तो अब मेरे पास बचे हुए डिजिट्स क्या है, बचे हुए डिजिट्स क्या है, वन थ्री फोर फाइव और जीरो, तो यहाँ पे सोचो यहाँ पे मैं पांचों चीजें नहीं डाल सकता हूँ, चार ही चीजें डाल सकता हूँ, समझ आया निशांत, जीरो नहीं डाल सकता, तो फोर, और यहाँ पे वापस फोर क्यों आएगा, क्योंकि सपोज करो मैंने यहाँ पे थ्री डाल दिया, तो अब मैं जीरो यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो जीरो यहाँ पे रोल में आ जाएगा, फोर इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, आ गया समझ? तो इसमें कितने बनेंगे, चार चक 16 48 96, तो 96 बनेंगे जब टू होगा और उतने ही बनेंगे जब फोर होगा, तो 96 इंटू टू करके मुझे 192 और 120 यहाँ पे थे ये जोड़ने होंगे, तो आंसर आएगा 312। किसी का सही था क्या ये, ऐसे तोड़ के करना होगा, वेरी गुड तन्वी, समझ आ गया सबको कैसे करना है, कुछ भी टफ नहीं, अगर तुम तरुण नहीं नहीं लिख रहा है माइक पे आ जाओ, तरुण माइक पे आ जाओ, माइक पे आओगे तो जल्दी क्लियर हो जाता है डाउट, और कोई है जिसको नहीं आया समझ, मैं वापस समझा दूंगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, कोई है जिसको नहीं आया है और तरुण के अलावा, बाकी सबको आ गया, अच्छा ऋतिका तुम्हें नहीं आया, दिनेश को नहीं आया, ठीक है, तुम तीनों में से कोई माइक पे आ सकता है, एनीवन, ऋतिका, यस सर, ऋतिका ये टोटल नंबर समझ आ गया था, ये कैसे हुआ था, यस सर, इवन नंबर्स में कंफ्यूजन हुआ, हाँ, तुम्हें ये तो पता है ना ऋतिका, इवन नंबर के पीछे चार दो और जीरो ही हो सकता है इन ऑप्शंस में, ठीक है, तो जीरो वाले को मैंने अलग केस लेना होता है, अलग केस क्यों लेते हैं मैं समझाता हूँ, जब जीरो को मैंने पीछे फिक्स कर दिया तो मेरे पास बचे हुए पांच डिजिट पे मुझे 1 2 3 4 5 डालना है, तो सीधे 5 फैक्टोरियल आ जाएगा 120, यस सर, तो ये एक केस आ गया, लेकिन अगर मैं पीछे पे दो रखता हूँ, टू को रख दिया, तो टू को रखेंगे तो क्या होगा ऋतिका, मेरे पास बचे हुए ऑप्शन है 1 3 4 5 0, तो अब मैं यहाँ पे पांच चीजें नहीं डाल सकता हूँ, चार चीजें डाल सकता हूँ जीरो को छोड़ के, अब समझ आया, तो फिर 4 3 2 1 आ जाएगा, जनरली अगर क्या जनरली होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जीरो की वजह से 4 यहाँ पे वापस, बस यहाँ पे 4 आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है, अब समझ आ गया होगा सबको, दिनेश अब आ गया समझ, यस सर आ गया, ठीक है, और ये इंटू टू क्यों किया ऋतिका, क्योंकि जब 2 को फिक्स किया तो 96 केसेस आए, सिमिलरली 4 के लिए भी 96 केसेस आएंगे, वहां पे ऑप्शन में यहाँ 4 की जगह 2 आ जाएगा, नंबर तो सेम रहेंगे ना, ठीक है, यस सर,
ऐसे करके निकालते हैं। अब बताओ ये सवाल सबको समझ आ गया अच्छे से? ये टफ लेवल था ये वाला चीज, क्योंकि इसमें बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जीरो को अलग केस नहीं लेते हो। जीरो को अलग केस क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे पांचों आ सकता है, लेकिन जब यहाँ पे जीरो नहीं आएगा तो यहाँ पे जीरो चार ही होंगे केस, बस ये डिफरेंस है। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है? आगे बढ़े, एक बार इसको डाइजेस्ट कर लो, एक बार मैं सारे स्लाइड्स दिखाता हूँ, जल्दी से रिकैप्चुलेट करो इसको। ये हमने ये वाले किए थे कॉम्बिनेशन सिलेक्शन वाले, ठीक है? ये भी केसेस बना के करने होते हैं। उसके बाद ये वाला भी वही था, ये भी वही था। ये सिखा रहा था मैं, बेसिक फॉर्मूले लिखा रहा था, ठीक है? उसके बाद गैप मेथड और ग्रुपिंग मेथड था, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है अगर तुम ऐसे सोचोगे ना तो। अरेंजमेंट कराया था बेसिक, फिर अल्फाबेट को अरेंज कराया था, फिर रिपीटेशन वाले क्वेश्चन कराए थे, फिर ग्रुपिंग और गैप वाला कराया था, फिर मैं सिलेक्शन पे आ गया था, और अब मैं हूँ नंबर्स पे। समझ आया? पूरा रिकैप्चुलेट हो गया, आगे बढ़े अब, ठीक है? वैसे आज का टाइम हो चुका है, मुझे एक बार ध्यान देने तो, कुछ बचा हुआ है क्या? फिर लीव कर दूंगा क्लास। सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है, एक ये कंप्लीट करा के मैं पूरा बता दूंगा हमें क्या क्या करा था एक साथ। सर जब हम लाइन जब हम रो में बिठाते हैं ना, तो रो में जब बिठाते हैं तो सिंपल होता है कि जितने सीट हैं उतना फैक्टोरियल कर देते हैं, है ना? ये चीज़ तो सबको क्लियर है, लेकिन अगर मैं सर्कल में बिठाऊँ तो क्या चेंज आ जाएगा? देखो जैसे सर्कल में मैं तीन लोगों को बिठा रहा हूँ, तो लाइन में बिठाते तो थ्री फैक्टोरियल होता है, यहाँ पे भी थ्री फैक्टोरियल होना चाहिए, पर वो नहीं होता है। क्यों? जैसे मैंने ए बी सी को बिठाया, तो ऐसे बिठा सकता हूँ एक अरेंजमेंट, दूसरा अरेंजमेंट में ए सी बी हो जाएगा, तीसरा अरेंजमेंट में तुम यहाँ बी सी ए बिठा दोगे, चौथा अरेंजमेंट में तुम क्या बिठा दोगे? बी बी सी ए, ऐसे, समझ आ रहा है? और पांचवे में सी बी ए कर दोगे और छठे में सी ए बी। कायदे से ये छह अरेंजमेंट होने चाहिए, सोचो सब लोग, यस और नो? पर सर्कल में क्या होता है, सर्कल को गोल गोल घुमा सकते हैं, ठीक है? तो सर्कल में कायदे से देखो तो बी अभी ए के किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट में है, ठीक है? और सी उसके राइट में है, और इस अरेंजमेंट में सी उसके लेफ्ट में है, सॉरी सी, हाँ सी लेफ्ट में है और बी राइट में है। अब इस अरेंजमेंट में देखो ए के क्या है, ए के लेफ्ट में बी है और ए के राइट में सी है, तो ये दोनों सेम नहीं है क्या? सोचो, ये दोनों सेम नहीं है क्या? गोल घुमा दो इसको, इसको घुमा दो ऐसे, तो देखो इसको घुमाओगे तो, सॉरी इधर की तरफ घुमाओ तो देखो बी जाएगा ऊपर, ए आ जाएगा इधर और सी इधर आ जाएगा, तो ये दोनों सेम है क्या? सोचो, सिमिलर से आ गए। तो सर्कल में क्या होता है ना कि गोल घूमने से ना सिमिलर आ जाता है, इसमें क्या यूनिक पोजिशन होते हैं तीनों, यहाँ पे सेम पोजिशन हो जाते हैं, तो इसमें दो ही कायदे से अरेंजमेंट है, बाकी सब रिपीटेशन है। इसको तुम घुमाओ, देखो बी सी ए को घुमाओ, ए को ऊपर ले आओ, तो ए को उधर लाओगे तो बी इधर आएगा, सी इधर आएगा, तो ये ऐसा बन गया, देखो दिख रहा है? इसको घुमाओगे ना तो ए ऊपर आएगा बी सी, तो ये सब सेम है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट का अरेंजमेंट होता है एन माइनस वन फैक्टोरियल, जैसे इसमें एन फैक्टोरियल होता है ना एन चेयर्स के लिए, यहाँ पे एन चेयर्स के लिए एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है। समझ आ गया सबको? ठीक है, आई होप क्लियर होगा सबको। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है सर्कल के, अगर मैं बोल रहा हूँ पांच लोगों को सर्कल में, या रीजिंग में आते हैं ना आठ लोग, तो आठ लोगों को अगर सर्कल में बिठाना है तो कितने अरेंजमेंट होते हैं? सेवन फैक्टोरियल, एट माइनस वन फैक्टोरियल। समझ आ गया? डायरेक्ट फॉर्मूला है, बस इतना ध्यान रखो, मैंने समझा भी दिया है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला है जो कि बीड्स प्रॉब्लम होता है, जो कि तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, नेकलेस वाला प्रॉब्लम। तो नेकलेस में मान लो कि मोतियां हैं, मान लो दस मोतियां हैं, टेन मोतीज, ठीक है ना? तो अरेंजमेंट कितना होना चाहिए? नाइन फैक्टोरियल, है ना, टेन माइनस वन। लेकिन इसका फॉर्मूला होता है, सिर्फ नेकलेस प्रॉब्लम का फॉर्मूला होता है, एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टू करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा अजीब सा, इसलिए याद कर लो इसको, ठीक है? नेकलेस में एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टू आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज भी सेम दिखता है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस इतना ध्यान रखो नेकलेस प्रॉब्लम में फॉर्मूला जो होता है ना, एन बीड्स हैं अगर, तो अरेंजमेंट का तरीका क्या होता है? एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टू, ठीक है? ठीक है, चलो आई होप क्लियर है सबको ये चीज, लिखते चलो। अब एक चीज और देखो, हैंड शेक्स। हाँ बोलो सर, सर्कुलर अरेंजमेंट जो बैठाने में वो
इस बीच के सिमिलर ही तो है, तो फिर इसमें फॉर्मूला अलग से। अभी मैंने करके नहीं दिखाया था क्यों सेम क्यों कम हो जा रहा है, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, अब ए यहाँ पे है, अब ए को घुमा के यहाँ रख दो तो ये वाला बनेगा, ठीक है, या ये वाला बनेगा, जो भी बनेगा वो दोनों सेम होते हैं, इसलिए आइडेंटिकल हो जाते हैं, ठीक है। सर मैं कह रहा हूँ कि सर्कुलर वाला और नेकलेस वाले में डिफरेंस क्या है? मैंने क्या बोला, इसको समझाना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कुछ चीजें याद करनी होती है डायरेक्ट ज्योमेट्री में। अगर तुम मुझसे पूछेगा कि सर ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, तो वो कुछ चीजें ना मैंने क्या बोला, मैं ज्यादातर चैप्टर्स में याद नहीं करवाता हूँ, कहीं कहीं पे याद करने बोलूंगा तो याद कर ले, ठीक है। चलो, जब ये कुर्सी पे हम लोग बैठते हैं तो हमारा सर ऊपर होता है, ऊपर होता है, ऊपर होता है, हम इसको अगर पलटते हैं तो हमारा सर नीचे चला जाएगा, वो प्रैक्टिकल है क्या? मतलब हम सर के बल बैठ जाएं कुर्सी पे तो प्रैक्टिकल नहीं है, समझ रहे हो? नेकलेस में क्या होता है, पीछे पलट दो आगे रखो सेम से होते हैं, तो ऐसा कुछ इसका एक्सप्लेनेशन होता है, इसलिए आइडेंटिकल हो जाते हैं, अपॉन टू करते हैं। अब ज्यादा डीप में जाएगा पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी, इसको याद कर ले नेकलेस वाले में आधा, जब इतना लीगल और ये याद कर रहा है, ये याद नहीं कर सकता तू। चलो देखो, अब ध्यान से देखो, अब हैंडशेक वाला एक प्रॉब्लम होता है, वो भी बहुत आसान है। हैंडशेक में क्या करना होता है, मैंने बोला कि 20 लोग हैं शादी में या मीटिंग में, हैंडशेक करेंगे तो कितने हैंडशेक होंगे, 20 में से कोई भी दो लोगों को चुन लो, एक हैंडशेक हो जाएगा, 20 में से कोई भी दो लोग चुन लो, एक हैंडशेक हो जाएगा, समझ पा रहे हो? तो 20C2, तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होते हैं, एन लोग हैं तो NC2, बहुत सिंपल है, कोई भी दो लोग चुन लो, कोई भी दो बंदे चुन लो तो हैंडशेक हो जाएगा, समझ गए? समझ आ गया सबको? NC2 होता है, आप इसका इसका तो मैं समझा सकता हूँ, बहुत इजी है, ये थोड़ा टफ होता है समझाने से, याद कर लो NC2 क्या होता है, नंबर ऑफ हैंडशेक्स, अगर N लोग हैं मीटिंग में तो, क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं, किसी को डाउट है क्या NC2 में? नहीं होना चाहिए। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास दो लाइंस है तो मैं कोई ट्राइंगल बना सकता हूँ दो लाइन से, एनी ट्राइंगल, दो लाइन से कोई ट्राइंगल बना सकता हूँ? नो। अगर तीन लाइन है नॉन कंकरेंट नहीं होनी चाहिए लाइन, ठीक है, कंकरेंट लाइन समझते हो, एक ही पॉइंट से पास नहीं होनी चाहिए, तो तीन कंकरेंट लाइन है तो तुमसे पूछेगा कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो कितने ट्राइंगल बनेंगे तीन लाइन से, तीन में से तीनों चुन लो तो एक ट्राइंगल बनता है, समझ आए? मैं बोलूँ कि 10 लाइन है तो 10 में से तीन लाइन चुन लोगे तो एक ट्राइंगल बनेगा क्या? तीन लाइन चुनने से एक ट्राइंगल बन जाता है, रैंडम कोई भी 3 लाइन चुन लो तो एक ट्राइंगल बनेगा, समझ आ रहा है? तो 10 में से तीन लाइन चुनोगे तो तीन लाइन चुन लोगे तो एक ट्राइंगल बनता है, समझ, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, कोई भी तीन लाइन चुनने से एक ट्राइंगल बनता है, राइट? तो 10 अगर लाइन्स है तो 10 में से तीन कोई भी लाइन चुन लो एक ट्राइंगल बन जाएगा, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला समझ आ गया, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर पूछेगा एग्जाम में 10 लाइन देके तो 10 में से तीन लाइन चुन लो तो एक ट्राइंगल बनेगा, प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए कि लाइन्स जो है पैरेलल नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन में मेंशन होगा लाइन्स आर नॉट पैरेलल, ठीक है, लाइन्स आर नॉट पैरेलल मेंशन होना चाहिए, समझ आ गया? तब हमारे तीन उतने लाइन्स ट्राइंगल्स बनेंगे, कोई भी 10 में से तीन चुन लो तो एक ट्राइंगल बन जाएगा, लाइंस पैरेलल नहीं होने चाहिए, ठीक है, सपोज करो 10 में से दे रखा है दो लाइन पैरेलल है, यहाँ तक समझ आ गया क्या? सारांश नहीं समझ है, n में से n लाइंस गिवन है और तुमसे पूछा है कि कितने ट्राइंगल बनेंगे और ये लाइंस पैरेलल नहीं है तो NC3 खत्म, ठीक है, n लाइंस गिवन है, पूछेगा कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे तो NC4 हो जाएगा, सिंपल है, कोई भी 4 लाइन चुन लो, चूज कर लो, वो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बना देगा, गिवन कि वो लाइंस पैरेलल नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि पैरेलल लोगे तो फिर कुछ नहीं बनेगा, आ रहा है समझ सबको? बहुत सिंपल है, चूज करना है बस, ये सेलेक्ट नहीं कर रहे, ये हम लोग अरेंज नहीं कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो सिलेक्शन के अंदर आता है, ठीक है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा, इसको होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी अभी, ये अगली क्लास में कराऊंगा हायर में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मुझसे बोला है कि 10 पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, 10 पॉइंट है, तो हमसे पूछेगा 10 पॉइंट से हम कितने लाइंस बना सकते हैं, तो लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए ऋषभ, कोई भी लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? सिंगल वन लाइन, एक पॉइंट चाहिए लाइन बनाने के लिए, सर दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट चाहिए तो हमारा एक लाइन बनता है, ठीक है, तो अगर एन पॉइंट है और पॉइंट सारे कोलिनियर नहीं होने चाहिए, कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं लाई करनी चाहिए, एक लाइन में लाई करेगा तो फिर ये सेम हो जाएगा, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए, समझ आ गया? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब सारे डिफरेंट 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 होने चाहिए, तो नंबर ऑफ लाइंस कितने होते हैं,
एन पॉइंट्स में से कोई भी दो पॉइंट चुन लो, चूज कर लो एन सी टू. आ रहा है समझ? तो हैंडशेक्स का फॉर्मूला यही होता है, नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला भी यही होता है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का फॉर्मूला ये होता है. स्क्वाड्रिलेटरल में एनसी फोर हो जाएगा, पेंटागन में एनसी फाइव हो जाएगा, हेक्सागन में एनसी सिक्स हो जाएगा. सबको समझ आ रहा है ये चीज? कुछ भी टफ नहीं है. Yes, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि लाइंस कोलिनियर ना हो, और कोलिनियर होती है तब क्या होता है वो मैं एडवांस में कराऊंगा. तो रिकॉर्डिंग देखना है, देख लेना, जरूरत नहीं है सबको, मैं मैनेजमेंट के बच्चों को कराऊंगा, सिर्फ इतना डीप नहीं जाना. ठीक है, अगली क्लास में करेंगे वो, मुझे याद भी दिला देना. समझ आ गया यहाँ तक? बेसिक बेसिक समझ आ रहा है ना? बिल्कुल, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन समझ आ रहा है. ये नंबर ऑफ हेक्सागन्स का था, ये नंबर ऑफ पेंटागन्स का था, ये नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल का था, ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का था, ये नंबर ऑफ लाइंस का था, ये नंबर ऑफ हैंडशेक्स का भी था. समझ आ गया सबको? ठीक है, चलो एक और चीज देख लो. बस एक और चीज क्या होती है, जैसे कि ये ध्यान सुना, जैसे मैंने बोला कि सर्कल में मुझे चार बॉयज और चार गर्ल्स को प्लेस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो कितने तरीके होंगे? तो ध्यान से सोचो, और इसमें कंडीशन गिवन है कि बॉयज साथ में नहीं होंगे. ठीक है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया था, तो हम लोग क्या करेंगे, गर्ल्स को पहले बिठा दिया. तो गर्ल्स को जब बिठाया ना, तब ये सारी कुर्सियां क्या थी, आइडेंटिकल थी, सारे चेयर्स एक जैसी होती हैं, आइडेंटिकल होनी चाहिए. अगर चेयर्स डिफरेंट होंगी ना, अगर चेयर्स डिफरेंट है तो फिर सोचो सर्कल के अंदर, मान लो सर्कल के अंदर ही चेयर्स डिफरेंट है, मान लो कि चेयर का कलर अलग अलग है, तब फॉर्मूला एन फैक्टोरियल ही होगा. ध्यान से सोचना, अगर चेयर्स आइडेंटिकल है तभी तो हमें कंफ्यूजन हो रहा है, एबीसी को किधर भी बिठा दो ऑर्डर में, जैसे एबीसी इधर है, या घुमा, जैसे मैंने घुमा दिया था, तो इस जैसे यहाँ पे ये घुमाया था ना. अब मान लो चेयर्स ब्लू रेड ग्रीन कलर के हैं, तब ये आइडेंटिकल हो जाएंगे. सोचो जैसे यहाँ ब्लू पे रेड था, ए था, और यहाँ पे रेड पे ए बैठेगा. तो अगर चेयर्स आइडेंटिकल नहीं है तो फॉर्मूला एन फैक्टोरियल ही होता है, ये समझ रहे हो क्या? अगर चेयर्स एक जैसी है तभी एन माइनस वन फैक्टोरियल होगा. समझ आ रहा है क्या? क्योंकि फिर तो हम चेयर देख लेंगे ना भाई, ये जैसे यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे रेड कलर पे बैठा है या ब्लू कलर पे बैठा है, तो डिफरेंट हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे. समझ आ रहा है? ठीक है, तो जो n माइनस वन फैक्टोरियल फॉर्मूला होता है ना, उसमें चेयर्स आइडेंटिकल होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यार ये दोनों अलग हैं, भले ए के राइट में सी है, ए के लेफ्ट में बी है, लेकिन पहले ब्लू पे बैठा था, अभी रेड पे बैठा है, तो अलग हो जाएंगे. तो चेयर अलग होती है तो फॉर्मूला n फैक्टोरियल ही होता है सर्कल के अंदर, डायरेक्ट मत रटना. चेयर्स अगर डिफरेंट है, मतलब चेयर्स को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तब n फैक्टोरियल ही होता है, तब तो फिर वैसा ही सवाल हो गया ना, ऐसा वाला सवाल हो गया. समझ आ गया सबको ये चीज? ठीक है, देखो यहाँ पे अगर चेयर्स जब गर्ल्स बैठेंगी तो यहाँ पे सारी चेयर्स आइडेंटिकल थी. ठीक है, जनरली क्वेश्चन में नहीं मेंशन्ड होता है तो हम एक जैसी कुर्सियां लेती हैं, लेते हैं हम. अगर ऐसा मेंशन्ड है कि चेयर्स अलग हैं तो अलग बात है, जनरली मेंशन्ड नहीं होता. तो जब गर्ल्स बैठेंगी तो उनके लिए थ्री फैक्टोरियल होगा. क्यों? क्योंकि जब गर्ल्स बैठेंगी चार चेयर पे तो उनको पता नहीं होगा कि भाई चेयर एक जैसे दिखेंगे ना सारी उनको, तो वहां पे एन माइनस वन फैक्टोरियल लगेगा. ये टफ सवाल करा रहा हूँ, ध्यान से सोचना. जब गर्ल्स बैठेंगी, गर्ल्स को क्यों बिठा रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने बोला है बॉयज को साथ, बॉयज को अलग बिठाना है, तो हमने गर्ल्स को पहले बिठा दिया, तो n माइनस वन फैक्टोरियल होगा, क्योंकि फॉर गर्ल्स चेयर्स आइडेंटिकल दिखेंगी. समझ आ रहा है? जब गर्ल्स बैठने जाएंगे, अब बॉयज को भेजेंगे, तो बॉयज जब जाएंगे ना, तो अब ध्यान से देखो, बॉयज के लिए चेयर्स डिफरेंट हो जाएंगे. क्यों डिफरेंट होंगी? क्योंकि बॉय तो चेयर को आइडेंटिफाई कर लेगा ना, ये चेयर है जी1 जी4 के बीच वाली चेयर, ये चेयर है जी1 जी2 के बीच वाली चेयर, ये चेयर है अलग, ये चारों चेयर अब लेबल हो चुकी हैं. समझ आ गया क्या? तो अब यहाँ पे n माइनस वन फैक्टोरियल नहीं लगेगा, यहाँ पे फोर फैक्टोरियल ही आएगा. जब दूसरी बार लोग बैठने आते हैं ना, तो फोर फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि अब चेयर्स आइडेंटिकल नहीं है, अब वो चेयर अलग हो गई हैं, लेबल्ड हो गई हैं चेयर्स. समझ आ गया क्या सबको? ये फोर फैक्टोरियल वाला समझाती है. ये अच्छा था, मजा आ गया. आदित्य, जब लड़कियां बैठने गई तो उनको चेयर में डिफरेंस पता चलेगा ना? बिल्कुल, तो उनके लिए n माइनस वन फैक्टोरियल लग जाएगा. समझ आ गया? ठीक है, तो चार थी तो तीन आया, थ्री फैक्टोरियल. अब जब लड़का बैठने जाएगा तो उसके लिए हर कुर्सी अलग है ना, वो तो देखेगा यार जी1 जी2 के बीच वाली कुर्सी, जी2 जी3 के बीच वाली कुर्सी, तो वो चारों चेयर अब दिखने में लकड़ी के सेम है, लेकिन वो लकड़ी की वजह से नहीं, लड़की की वजह से लेबल हो गए. ये तो मस्त पंचलाइन. अच्छा, समझ आया? तो ये चेयर अब ये चेयर जो है ना, ये लेबलिंग हो गई इन चेयर की, ये चेयर डिफरेंट है. ठीक है, ये चेयर डिफरेंट है, ये जी1 जी4 के बीच का, जी3 जी4 के बीच का है, ये चेयर डिफरेंट है. ठीक है, और ये चेयर डिफरेंट है, कलर से नहीं, लड़कियों की वजह से. तो यहाँ पे n फैक्टोरियल लगेगा. तो ये टफ सवालों में आता है, बस समझाने के लिए करा दिया. अच्छे से समझ आ गया सबको लेबलिंग और अनलेबलिंग का फर्क? अगर लेबल्ड मान लो कि चारों कुर्सी अलग, चारों कुर्सियों का कलर हमें पता है, तब तो n फैक्टोरियल आंसर होगा ना.
डिफरेंट कलर है तो, अगर सेम कलर है तो एन माइनस वन फैक्टोरियल होगा, समझ आ गया होगा सबको, ठीक है? ज्यादा हो गया, अब मैं रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या पढ़ाया, फिर मैं छोड़ दूंगा। अब इसका एडवांस लेवल होगा, उसमें हम क्या करेंगे, किसी को अटेंड करने की इच्छा है फ्री हो तो कर सकते हो, बाकी मैं मैनेजमेंट के बच्चों को सजेस्ट करूंगा, वो सिर्फ उसमें करेंगे कि अगर लाइंस मान लो कि 10 लाइन है तो 3 पैरेलल है बाकी अलग अलग है, तब 10C3 नहीं होगा ट्राइंगल, कुछ अलग होगा, वो मैं डिस्कस करूंगा उनके साथ। जैसे पॉइंट्स है, मान लो 3 कोलिनियर है बाकी अलग अलग है, तब डायरेक्टली NC2 नहीं लगेगा, कुछ चेंजेस करने होंगे, तो वो सब अगले लेक्चर पार्ट 2 में करेंगे। अब मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था नॉर्मल अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट हमने 3 चीजों का पढ़ा, पहला था कि लोगों का, फिर हमने पढ़ा था डिजिट्स का जो कि हमने एक्चुअली लास्ट में पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा था अल्फाबेट्स का जो कि बहुत इजी था। अल्फाबेट वाले अरेंजमेंट के अंदर 2 चीजें थी, एक था कि अगर डिजिट्स रिपीट होती हैं तो क्या होता है, और अलग होती हैं तब तो भाई बहुत सिंपल होता है। डिजिट्स के अंदर भी मैंने पढ़ा था ऑड इवन कैसे होगा, जीरो को कैसे टैकल करेंगे, और एक नॉर्मल वाला था जो कि एन फैक्टोरियल होता है। लोगों वाला अरेंजमेंट में क्या था, ग्रुपिंग था और गैप मेथड था, और एक नॉर्मल अरेंजमेंट था एन फैक्टोरियल वाला। ग्रुपिंग मेथड में क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, आपस में अरेंज करते हैं, और इस आइटम को एक मान के सबको अरेंज करते हैं। गैप में क्या करते हैं, जिनको गैप में, जिनको साथ में नहीं बिठाना उनके अलावा वाले लोगों को बिठाते हैं, फिर NCR करके चेयर्स चूज करते हैं अगर ज्यादा कुर्सियां हैं तो, फिर लड़कों को अरेंज करते हैं, फिर लड़कियों को अरेंज करते हैं। यहां तक अच्छे से याद आ गया सबको, यहां तक अच्छे से क्लियर है सबको, ठीक है? उसके बाद हमने सिलेक्शन पढ़ा था, सिलेक्शन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, सिलेक्शन के अंदर हमने पढ़ा कि फ्रूट्स कैसे चूज करते हैं, तो मैं चुनते चुनते बोलने लग गया हूँ, फ्रूट कैसे चूज करते हैं, तो फ्रूट्स में एटलीस्ट वाला केस पढ़ा, एटमोस्ट वाला केस पढ़ा, एग्जैक्टली वाला केस पढ़ा, बिना कंडीशन वाला केस पढ़ा, जैसे 9C3 वाला था, कुछ भी 3 उठा लो। सिलेक्शन में मैंने ये बताया था कि 15 में से 11 क्रिकेटर चूज करेंगे तो इतने केस बनते हैं, सिलेक्शन के अंदर ही मैंने बोला हैंडशेक NC2 होता है, सिलेक्शन के अंदर ही मैंने बोला कि n पॉइंट से लाइंस इतने बनते हैं, n लाइन से ट्राइंगल इतने बनते हैं, n लाइन से क्वाड्रिलेटरल इतने बनते हैं। अरेंजमेंट मैंने लास्ट में एक और चीज पढ़ाया था, सर्कल के अंदर अरेंजमेंट जो कि होता है n-1 फैक्टोरियल, अगर कुर्सियां आइडेंटिकल हो तो, और कुर्सियां अगर अलग हो, कुर्सियां अलग हो तब वापस वो लीनियर जैसा ही हो जाता है क्योंकि कुर्सियां डिस्टिंक्ट हो जाती हैं, ठीक है? भले ए के राइट में बी हो, लेफ्ट में सी हो, लेकिन कुर्सियां अलग अलग हो जाएंगे तो वो अलग अरेंजमेंट होगा, ठीक है? इसके अलावा हमने बीट्स वाला पढ़ा था जिसका फॉर्मूला याद रखना है बस, वो अपॉन 2 होता है। इसके अलावा कुछ पढ़ा था क्या, कुछ पढ़ा था क्या, मैं एक्चुअली लेक्चर्स रट के नहीं आता, मैं भूल जाता हूँ, कुछ और पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ लिया, इसमें काम चल जाएगा, ठीक है? ये बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वैसे तुम्हारे जैसे एग्जाम के लिए ये वाला पूछते हैं, फ्रूट चूज करने वाले सवाल, और ये गैप ग्रुप वाले सवाल, ये सब पूछते हैं, ठीक है? और ये भी बहुत पूछते हैं ये वाला NC2 हैंडशेक कितने होते हैं, देखोगे मैं PDF भेजूंगा बेसिक सवालों का, याद नहीं आ रहा क्या क्या पढ़ा था। ये सारे स्क्रीनशॉट सबने ले लिए होंगे। एक चीज लास्ट बता देता हूँ, मुझे याद आया तो 3 घंटे का लेक्चर भी हो जाएगा फिर, 10 बजे शुरू, 2 ही घंटे हुए, अरे ठीक है। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला, ये ज्योमेट्री के अंदर वापस रिपीट करूंगा, वैसे ज्योमेट्री भी कराना है मुझे, पेंसिलेशन करा है, नंबर ऑफ डायगोनल्स सोचो, मान लो कि हमारे पास 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट से टोटल लाइन कितने बनेंगे, NC2 मतलब 4C2, समझ आए, एप्लीकेशन बता रहा हूँ फॉर्मूले का, 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट से कितने लाइन बनते हैं, ये और 2 इधर बनते हैं, ये समझ आया क्या सबको, 6 लाइन बनते हैं, 4C2 की वैल्यू 6 होती है, याद है सबको, 4×3/2, तो 6, देखो 6 लाइन्स बन रहे हैं। तो हमसे पूछेगा नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, सारे लाइन्स NC2 माइनस जितने साइड है n, बस n डायगोनल का फॉर्मूला बन गया। अब मान लो मैं बोलूं कि 10 साइडेड फिगर है, 10 पॉइंट से जो फिगर, जिनको हम कौन सा फिगर नाम भूल गया मैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 10C2 टोटल लाइन्स, उसमें से 10 साइड घटा दो तो वो सारे डायगोनल्स ही तो होंगे, समझ रहे हो क्या? जैसे हेक्सागन है, तो हेक्सागन के अंदर सोचो 6 तो साइड है, ये सारे डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, अब ऐसे बना बना के जोड़ोगे कुछ मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सिंपल हम डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं, NC2 - n, तो टोटल लाइंस कितने होंगे, 6×5/2 15 - 6, इसमें 9 डायगोनल्स होते हैं, तुम गिन के भी चेक कर सकते हो, 3 इधर से निकले, 3 इधर से भी निकलेंगे और 3 इधर से निकलते हैं, टोटल 9 डायगोनल। आ गया समझ सबको, अच्छे से क्लियर है, हडेकागन
क्लियर है? तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला, टोटल में से, टोटल लाइन में से साइड को हटा दो, बाकी डायगोनल ही तो होता है। अच्छे समझ आ गया? अब इससे ज्यादा इसी को सिंप्लीफाई करने से फॉर्मूला बन जाता है n into n minus 3 upon 2। तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, इनकेस आ गया तो 6 into 3 upon 2 देखो 9 आ रहा है, तो इसी से डिराइव होता है ये, इसी का फर्दर डेरिवेशन है नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला। चलो ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया होगा अच्छे से। मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, बाय। थैंक यू सर, लव यू सर, बाय सर, बाय। फैन है सर आपका ऋषभ। थैंक यू।